Very good evening, all of you. सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग अपने वीडियोस को ऑन रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। ओके, मनु प्रिया मीन्स मानवी। हेलो मानवी, हाय शीना, हाउ आर यू? नमस्ते अरविंदर जी, बीनी आंटी कैसे हैं? हेलो दिनेश अंकल, आई होप ऑल वेल। That's great. दोनों आप एक दूसरे को देख भी सकते हैं, डीनी आंटी एंड दिनेश अंकल। बतूल, हाउ आर यू फ्रॉम पाकिस्तान, कराची। अमरीश जी, बड़े दिन के बाद नजर आए आप। हाय रश्मि, हाउ आर यू। पूनम जी नमस्ते, साबल जी नमस्ते, निशा जी नमस्ते, सुनीता जी कैसे हैं आप? सराबानी डे, हाउ आर यू। पूर्वी दलाल, लुकिंग डैम गॉर्जियस, ग्रीन टी शर्ट, फैंटाबुलस। सानिया जी सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कविता जी, कृष्ण प्रकाश जी, बाकी लोगों ने कैमरे ऑन नहीं किए हैं, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। ओके ओके ओके, एक दो लोग हैं जो बिल्कुल नया है, नए हैं आज यहाँ पर। उनकी जानकारी के लिए हल्का सा मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम एज यूजुअल अनुराग सूर्यवंशी, अभी तक चेंज नहीं हुआ। जो पिछले हफ्ते था आज भी वही है, सेम नाम से मैं आज भी आ रहा हूँ। यहाँ पे सक्सेस लीगेसी लिखा है। सक्सेस लीगेसी इज माय चाइल्ड, मेरा छोटा सा बेबी जो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। माई नेम इज अनुराग सूर्यवंशी, बैकग्राउंड इन सेल्स एंड मार्केटिंग। आई हैव स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम इंडियन मार्केटिंग रिसर्च ब्यूरो लॉन्ग टाइम बैक, 26 years back in 1994। Since 1994 आई एम वर्किंग। पिछले 26 सालों का एक्सपीरियंस है, 22 सालों का सेल्स एंड मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, पिछले 16 सालों का ट्रेनिंग फील्ड का एक्सपीरियंस है, 1998 से 2012 तक, एंड देन 2019 एंड 2020 इज अबाउट टू कंप्लीट नाउ। सक्सेस लेगेसी का ये कंट्रीब्यूटरी सेशन का एक और आहूति है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए एक और कंट्रीब्यूशन। इसका वीडियो अब आना शुरू हो गया है आप लोगों के डिमांड पे। किसके वीडियोस चाहिए तो उसके लिए सक्सेस लेगेसी का जो यूट्यूब चैनल है वहां से जाके आप देख सकते हैं। आज 15th मिराकुलस मंडे है, तो आज 5वां वीडियो अपलोड हो चुका होगा या होने वाला होगा, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो पिछले कोई भी टॉपिक्स मैं रिवाइज नहीं करता हूं यहाँ पे, आज के बारे में बात करेंगे। सक्सेस लेगेसी इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर दोज पीपल हु रियली वांट टू ऐड सम वैल्यू इनटू द लाइफ, एंड सक्सेस लेगेसी इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर दोज who really want to explore training industry as a trainer, transformer, coach, mentor, motivator or else whatever। आज मैं उस टॉपिक पे बात करूंगा जो मेरे दिल के बहुत करीब है। इनफैक्ट जितने भी टॉपिक्स पे मैं बात करता हूं कभी भी, वो सारे ही मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि मैंने जिया होता है उनको। कितने लोग हैं आप में से जो एक बहुत बढ़िया मेडिटेशन करना चाहेंगे अंत में अनुराग सूर्यवंशी के द्वारा? ओके, वोटिंग है, अब आप वोट नहीं डाल सकते जिन्होंने पहले वोट डाल दिया। कितने लोग हैं जो नीरज मलिक द्वारा मेडिटेशन करना चाहेंगे? वाह, आप दोनों जगह वोट कैसे डाल सकते हो? एक इंसान दो जगह वोट नहीं डाल सकता। अंधा कानून में बच्चन साहब कहते हैं, नहीं जज साहब, बच्चन साहब एक आदमी का मर्डर कर देते हैं भरी अदालत में, तो जज साहब इशारा करते हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए, तो बच्चन साहब कहते हैं नहीं जज साहब, आप एक इंसान को दूसरे इंसान को मारने की 2 बार सजा नहीं दे सकते। जिस इंसान को मैंने अभी मारा इसकी सजा मैं ऑलरेडी काट चुका हूं। सो आप 2 बार वोट नहीं डाल सकते भाई, एक ही बार बोलने का ना, या तो अनुराग से करने का मेडिटेशन या नीरज से करने का। चलो लेट्स सी, अभी मुझे भी नहीं मालूम मेडिटेशन कौन कराएगा लास्ट का। रिलेशन 1-on-1, किसी के कोई प्रश्न अगर हैं तो चैट बॉक्स में लिखेंगे, और एल्स 9:20 से लेकर 9:30 तक आप अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी बारे में। तो उससे पहले सिर्फ मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे, और आप इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से जवाब देंगे, सिर्फ इस तरह से या इस तरह से देंगे, इस तरह से कोई जवाब नहीं देगा। करेक्ट? कितने लोगों को लगता है कि हमारे अंदर जो मन के भीतर कल्प वृक्ष बैठा है, खाली उसको एक्टिवेट करने से काम चल जाता है? किसी को भी नहीं लगता? अंदर का कल्प वृक्ष को अगर कमांडिंग सिचुएशन में ले आओगे तो काम चलेगा कि नहीं? जिंदगी में मजा आएगा कि नहीं? आज मैं एक ऐसी बहुत ही बेहतरीन तकनीक आज आपको बताऊंगा कि आपके अंदर बैठा जो कल्प वृक्ष है उसको तो आप कमांड करोगे ही, वो तो काम करेगा ही करेगा। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई ऐसी बूटी मिल जाए आपको जो कि आप ही के पास है, अभी बताऊंगा भी और प्रूव भी करूंगा, अगर कोई ऐसी बूटी मिल जाए, जड़ी बूटी मिल जाए कि आपके अलावा जो आपके आसपास के लोग हैं जो दिल से आपका भला नहीं चाहते, उसके बावजूद भी उनके सबकॉन्शियस ब्रेन को आप इस तरह से कंट्रोल करना सीख जाओ कि वो लोग आपका भला ना चाहते हुए भी आपके गोल्स को अचीव कराने के लिए यूनिवर्स में वाइब्रेशंस डालनी शुरू कर दें, तो कैसा रहेगा? आई वॉन्ट टू आस्क। सिर्फ इतना इतना नहीं, दोनों ठेंगे दिखाने का भाई। ये कलाएं लेकर आप, अपनी माता जी ने आपकी जन्म दिया था, ये कलाएं उस टाइम पे आपके पास थी, आप सिर्फ भूल चुके हो। रामायण कितने लोगों ने पढ़ी या सुनी है? जब हनुमान जी सुसाइड करने के मूड में थे, यानी कि प्राण त्यागने के लिए बैठ चुके थे, तो जामवंत ने कहा कि देखो भाई, तुम्हारे पास ऐसी शक्तियां हैं कि तुम एक जंप मारोगे और लंका पहुंच जाओगे और सीता माता की खबर लेकर वापस आ जाओगे। हनुमान जी ने कहा, कैसी बावलों वाली बात करते हो, इतने बड़े महामंत्री हो आप, पूरा राज्य संभालते हो। तो जामवंत ने फिर कहा, आपके पास ऐसी कलाएं हैं, आपको एक ऋषि ने शाप दे दिया था क्योंकि आप उनको ऐसे उठा दिया करते थे बचपन में। तो उन्होंने कहा, मैं नहीं मानता। तो उन्होंने कहा, एक बार जंप मार के तो देखो, लंका पहुंच जाओगे। तो दूसरों के सबकॉन्शियस ब्रेन को कंट्रोल करने की कला आपको आती है और आप जाने अनजाने उन कलाओं को इस्तेमाल करते हो और उनके ब्रेन को कंट्रोल करते हो, उनके सबकॉन्शियस को कंट्रोल करते हो। उनकी जिंदगियां उससे खराब होती हैं कई बार, और कई बार अच्छी भी होती हैं। आज हम बात करेंगे इस तकनीक पे कि किस तरह से आप दूसरे के ब्रेन को कंट्रोल करो और उनको रिप्रोग्राम कर दो सो दैट वो आपके जो लाइफ के गोल्स और आपके आउटकम्स हैं वहां तक पहुंचाने में आपको मदद करें। इज दैट फाइन? उसका हल्का सा आपको ब्रीफ आइडिया दूंगा, बट उससे पहले बात करते हैं माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे। बहुत सारे लोग होते हैं जिंदगी में और उन लोगों की सुननी भी पड़ती है और सुनानी भी पड़ती है। अब इसी के ऊपर बात करेंगे और हम बात करेंगे रिलेशन 1-on-1 की। जिन लोगों ने पहले कभी सुना है, वो कोई लोग यहां पे दिख नहीं रहे हैं आज, और वैसे भी मिरेकुलस मंडे में आज तक। निशा, कुछ कहना चाहती हैं आप? आपने हाथ उठाया, मैं अभी अनम्यूट नहीं करूंगा। ओके, कुछ नहीं कहना। कुछ कहना हो तो 9:20 पे हाथ उठाइएगा, और वो भी वो लोग जो लोग मेरी स्क्रीन पे हैं इस समय, जिनको मैं देख पा रहा हूं। रिलेशन 1-on-1, पिछले 14 मंडे में इसकी सिर्फ बात हुई, इसके बारे में मैंने बताया कभी नहीं। इस प्रिंसिपल को मैं पिछले कुछ दशक से, लगभग 1.5 दशक से इस्तेमाल कर रहा हूं, और इस प्रिंसिपल में बड़ी खूबियां हैं। रिलेशन 1-on-1 एक ऐसी कला है जिसमें अगर आप निपुण हो जाएं तो आप किसी भी रिश्ते को बचा सकते हो। देखिए साहब, बड़ी सिंपल सी बात है, जो भी मैं यहां पे बोलूंगा मेरे एडिटर उसको एडिट कर देंगे। ऑलरेडी जो मैंने बोला वो भी कर देंगे, मुझे मालूम है, बट उसके बावजूद भी मुझे आजकल ये इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं कि मैं थोड़ा सा एडिट वर्जन बोला करूं। दैट इज अ चैलेंज। ओके, ग्रेट, दैट्स अ चैलेंज विद मी कि मैं अनएडिटेड बोलता हूं। कई बार लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ बोलता हूं, मैं करता नहीं हूं। ऐसा दूसरों को लगता है, आपको नहीं। यहां पर आज फिर वो सज्जन नहीं आए जिनका मैं नाम ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए भाई, आप नहीं आए तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, बट मैं आपसे फिर से एक बार हाथ जोड़ के प्रार्थना है और माफी मांगता हूं परसों के मेरे बिहेवियर के लिए। परसों छोटी सी एक बात हो गई थी किसी से, मेरे स्टूडेंट, वो खुद को मेरा स्टूडेंट मानते हैं, मैं तो नहीं मानता, मैं खुद को उनका गुरु नहीं मानता हूं, बट वो ऐसा मानते हैं कि मैं उनका गुरु हूं। मैंने कुछ एक लाइन ऐसी गलत बोल दी थी जो मुझे शायद नहीं बोलनी चाहिए थी, उसका मैं माफी मैं उनसे कल फोन पे मांग चुका हूँ, आज पर्सनली मांग चुका हूँ, और अभी एक बार फिर मैंने उनसे पूछ लिया, अगर वो रिकॉर्डिंग देखेंगे तो फॉरगिवनेस का मेडिटेशन कल कितने लोगों ने किया था सुबह मॉर्निंग सेशन में? ओके, आप में से काफी लोग नहीं थे, इसका मतलब मॉर्निंग सेशन में। कल बहुत ही जबरदस्त मॉर्निंग सेशन हुआ था, ऐसा लोगों ने मुझे बाद में कहा। तो वो फॉरगिवनेस का मेडिटेशन ऐसे ही नहीं करा दिया था मुझे, मैं कल थोड़ी सी ग्लानी में था, गिल्ट था हल्का सा, तो मैंने फॉरगिवनेस, उनसे माफी मांगनी थी, तो मैंने आप लोगों को मेडिटेशन कराते हुए उन सज्जन से माफी मांग ली थी। सो ऐसा अक्सर होता है, तो जो मैं कहता हूं वो करता भी हूं, और मैं वही कहता हूं जो मैं करता हूं। आइए थोड़ी सी बात करें रिलेशन 1-on-1 के ऊपर। ये है शीना या अरविंदर या डीनी आंटी या बतूल या दिनेश जी या सैबल, ये है आप खुद। अरविंदर जी मुस्कुराई, उनका ये फेवरेट टॉपिक है, और प्रीत भी मुस्कुराई, क्योंकि प्रीत, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस मैन, यू आर लुकिंग रियली गॉर्जियस। गॉर्जियस का अगला वर्ड नहीं बोलूंगा यहाँ पे, बाकी और लड़कियां फिर जेलस हो जाएंगी आपसे। और ये है आपके पतिदेव। तो कुछ घरों में शेर और बकरी होती है और कुछ घरों में शेरनी और बकरा होता है। तो अब आप लोग ये डिसाइड करेंगे किसके घर में कौन शेरनी है और कौन बकरा, और किसके घर में कौन शेर है और कौन बकरी। गेटिंग माय पॉइंट? आप मेरी बात समझ चुके हैं। इस समय सेशन अब पूरी तरह से अपने शबाब पर आ चुका है। तो ये है आप और ये है आपके स्पाउस, हस्बैंड एंड वाइफ। ये है आपकी सासू मां। अब कहानी यहां शुरू होती है। एक्चुअली आपको एक बात बताऊं, बड़ी सिंपल सी, एक लड़का एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता है, दोनों के रिलीजन अलग अलग हैं, पर होता क्या है, दोनों लड़ झगड़ के किसी तरह शादी कर लेते हैं और एक पिक्चर बन के आती है, मैंने प्यार किया, सलमान खान भाग्यश्री। बेचारे के नोट भी फट जाते हैं, दोबारा नोट कमा के लाता है उसके बाप को इंप्रेस करने के, अल्टीमेटली शादी हो जाती है। उसके बाद की पिक्चर कोई नहीं दिखाता है। एक्चुअली उसके बाद की पिक्चर इसलिए नहीं दिखाते हैं, असली झोल तो उसके बाद शुरू होता है। हस्बैंड वाइफ, सासू मां ससुर, हस्बैंड का ससुर, उसकी सासू मां, उसके ब्रदर इन लॉ, उसके सिस्टर इन लॉ, असली कहानी वहां से शुरू होती है। फिर उनकी जिंदगी में दो बच्चे भी आ जाते हैं, तो वो दोनों ही सोचते हैं अगर ऐसा कुछ होना था तो हमारी मती मारी गई थी, हमने शादी क्यों की। तो मूवीज में लड़का लड़की लड़ झगड़ के शादी कर लेते हैं और उसके बाद आता है दी एंड। एक्चुअली दी एंड नहीं होता, कहानी शुरू होती है वहां से। बिना टिकट की पिक्चरें वहां से शुरू होती हैं घरों में। यकीन मानिए, अगर ये रिलेशन 1-on-1 को आप कंट्रोल कर लेंगे ना, तो जिंदगी में बहुत सुकून आ जाएगा। बताते हैं कैसे। बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, कोशिश करूंगा डिफाइन करने की अगले कुछ समय में। ये आप, ये आपका भाई, ये आपकी मां, सबसे क्लोज रिलेशन लिया मैंने। दो सगे भाई और मां। ये सगे भाई 45 और 50 साल की उम्र के नहीं है, ये दोनों सगे भाई बैचलर हैं। एक भाई रहता है यहां पर, उस शहर में जिस शहर में आप इस समय हैं, और एक भाई रहता है किसी दूसरे शहर में 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर। ये जो भाई है ये मां के साथ रहता है और ये भाई रहता है दूर। बात को समझने की कोशिश करिएगा, मैं रिलेशन 1-on-1 समझाने की कोशिश करूंगा पहले, उसके बाद आपके कोई भी क्वेश्चंस मैं रिलेशन 1-on-1 के लेने शुरू करूंगा 9:15 पे। आशी, इतनी सर्दी लग रही है आपको कि आपको देखकर मुझे ठंड लग रही है। इस स्क्रीन पे सबसे ज्यादा सर्दी अगर किसी को लग रही है तो वो लग रही है आशी त्यागी को। दैट्स रियली ग्रेट, फैंटाबुलस। अब मां की और बेटे की होती है लड़ाई। दोनों की लड़ाई हाथ पैरों से नहीं हो रही, दोनों के मतभेद हैं, मां और बेटे ने झगड़ा किया। अब इस भाई को रिलेशन 1-on-1 करना नहीं आता था। अब अगर ये इस भाई से बात करेगा उसी स्टेट में, इसने मां से झगड़ा किया, भाई से फोन पे बात होगा तो भाई पूछेगा और भाई क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, तू बहुत सुखी है, तेरे को पता है कोई झंझट नहीं है तुझे किसी चीज का, तुझे पता भी नहीं मेरी लाइफ में हेल हुई बड़ी है। वो कहेगा भाई क्या हुआ? तो अब ये अपनी बड़ाई करेगा या बुराई करेगा? अपनी बड़ाई करेगा या बुराई करेगा? बड़ाई करेगा। मां की बड़ाई करेगा कि बुराई? मां की बुराई करेगा। सगी मां है, सगा भाई है। अब बात को समझना, सेंसिटिविटी समझना इस रिलेशन की। इसने कितना गलत काम किया, इसने अपने भाई को उस झगड़े के बारे में ही नहीं बताया, इसने अपनी मदर की बुराई की। क्योंकि देखो झगड़ा इन दोनों का मतभेद है, बट प्रॉब्लम क्या है, दोनों के मतभेद में इसकी स्टेट खराब है, बात स्टेट मां की भी खराब है बट इसकी स्टेट खराब है। इसने भाई को फोन किया या भाई का फोन आ गया, इसने पहले बोला लाइफ हेल हो चुकी है। पहली तो यही चीज गलत की इसने, लाइफ मास्टरी के हिसाब से कभी भी गलत सेंटेंस नहीं बोलने चाहिए। इसने कहा लाइफ हेल है, और इसने जब पूछा भाई से कि प्रॉब्लम क्या है, तो इसने कहा ऐसे ऐसे यार, बात बात पे झगड़ा कर देती है मम्मी, तू सोच यार, यार मुझसे इतना झगड़ा करती है, कल को मैं शादी करके लाऊंगा तो यहां तो वैसे ड्रामा हो जाएगा। आगे तक की बातें बतानी शुरू कर दी, और मां के लिए भाई के दिल में बहुत बढ़िया से जमीन को बढ़िया से जोत के बीज बो दिया। किसने बीज बोया? भाई ने, मां के लिए दूसरे भाई के दिल में। रिलेशन 1-on-1 समझाने का तरीका मेरा यही है, और कोई तरीका नहीं है मेरे पास। अब जब भाई मां से बात करेगा तो जाहिर सी बात है पहले नॉर्मल बात, और मां कैसी है, ठीक हूं और सब बढ़िया। इसके दिल में ना बड़ी कसक लगी है कि मां एक बार छेड़े और मैं बात करनी शुरू करूं। अब इसने, वो दूसरे शहर वाले भाई ने मां से बात करनी शुरू करी और बीज इसके मन में है। अब मां ने भी क्या किया, भाई के बारे में बोलना शुरू किया, नहीं नहीं ऐसे थोड़ी हुआ था, अच्छा उसने ये ना, मैं बता रही हूं ये बिगड़ चुका है पूरी तरह से, उल्टे सीधे काम करता है, ये करता है, वो करता है। अब मां ने उस बेटे के बारे में बोलना शुरू किया। अब क्या हुआ, इसके और इसके रिश्ते भी खराब होने शुरू हो गए, क्योंकि मां तो ये इसकी भी है। अब ये कंफ्यूज है कि ये सच बोल रहा है कि ये सच बोल रही है, और अभी रिश्ते मैंने बहुत क्लोज नहीं है, एक मां दो सगे बेटे उसके, और दोनों की अभी शादी नहीं हुई है। दोनों अपनी मां से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और दोनों एक दूसरे से भी बहुत मोहब्बत करते हैं, यकीन मानिए इस बात का। आप ये भी कह सकते हैं कि जुड़वा भाई है या 2 साल का डिफरेंस है, बस समझ गए। अब हो क्या रहा है कि एक इसकी गलती की वजह से इन दोनों के रिश्तों में खटास आई, इन दोनों के रिश्तों में खटास आई, और इन दोनों के रिश्ते में और ज्यादा खटास आ गई। सच बताना ये होता है कि नहीं होता है? That's called relation 1-on-1, and I used to practice this. In fact, I used to practice this relation 1-on-1 with my children. Can you believe it? मैं उनको आज से आदत डाल रहा हूं। मेरी बेटी 13 साल की है, बेटा मेरा 9 साल का है। I used to practice with them relation 1-on-1. इसकी बहुत बड़ी अहमियत होती है। अब आप कितने लोग मुझसे अग्री करेंगे कि अगर रिश्ते 1-on-1 कर लिए जाएं तो कितने लोगों को लगता है कि रिश्ते जो खराब होते हैं, वो जो ट्रेन का डब्बा है 72 लोगों का और उसमें जो एक छोटा सा कंपार्टमेंट है 8 लोगों का, उसमें लोग बड़े प्यार से रह सकते हैं अगर रिलेशन 1-on-1 रखें तो? कितने लोग अग्री करते हैं मुझसे? आई वांट टू सी कितने लोग आज से पहले रिलेशन 1-on-1 फॉलो कर रहे थे। सिर्फ हाथ उठाना वही लोग जो फॉलो कर रहे थे। तो आपको लगता है इस सेशन में आपको कुछ वैल्यू मिली? अभी मिली नहीं, अभी मिलेगी। अभी और डिफाइन करूंगा इसको, इसके क्वेश्चंस भी लूंगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन इसका रिलेशन 1-on-1 का ही पूरा होगा प्रैक्टिस के साथ। अब जब इन दो क्लोज जो सगे भाई हैं और इनकी मां है, जब इनके रिश्ते बिगड़ सकते हैं तो डोंट यू थिंक आपके जो ऑफिस है, जहां वर्क प्लेस है, वहां कितनी कॉन्स्पिरेसी होती है, कितने रिलेशन 1-on-1 का खराबा होता है। बॉस को चाहिए कि अपने सबॉर्डिनेट के साथ रिलेशन 1-on-1 से पेश आए। अब इसका दूसरा रूप, इसका दूसरा रूप, दो लोग एक बहुत अच्छे रिलेशन में थे, दोनों सगे भाई, ये दोनों को सगे भाई बना देते हैं इस बार, इसको किसी दूसरा बना देते हैं, या दो बहुत अच्छे दोस्त थे, इन दोनों में झगड़ा हो गया, इस दोस्त ने अपने किसी और दोस्त से झगड़े की बात की। अब इसको कैसे संभाल सकते हैं? अगर एक डैमेज करे तो दूसरा रिलेशन 1-on-1 को किस तरह से संभाल सकता है उसकी बात बताता हूं। दोनों दोस्तों में झगड़ा हुआ, इस दोस्त ने इस दोस्त से, जो इनका कॉमन फ्रेंड है, यानी कि ये तीनों ही दोस्त हैं एक साथ, तिकड़ी है, तीनों बचपन के दोस्त हैं, इन दोनों का झगड़ा हुआ, इसने इससे बात की और इसने इसको कॉल किया। तो अब ये कुछ बोलना शुरू करता है इन दोनों के झगड़े के बारे में, तो इसको क्या करना चाहिए? अच्छा, अजय ने ऐसा बोला तेरे को, पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारे बीच में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं यार, और मेरे को तो यार अजय और तू मेरी जिंदगी में ऐसे हैं जिनके बारे में मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता। यानी कि इसने जो भी इसको बोला, और ये अजय की अब इसके सामने बुराई कर रहा है, तो ये कह रहा है ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है और तू भी मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। यानी कि अगर सामने से किसी एक ने किसी दूसरे के सामने उस रिलेशन को डिस्क्लोज किया, तो इसको किसको सेव करना चाहिए? इसको एग्जाम्पल लाइव लेके दिखाता हूं। अगर आपका बच्चा, आपके बच्चे के ऊपर कोई दिक्कत आ जाए, तो आप अपने बच्चे का पक्ष लेते हो कि नहीं लेते हो? हाँ या नहीं लेते हो? लेना भी चाहिए। तो इसी तरह से इन दोनों का बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप है। एक दिन पहले रात को लड़ाई हो गई और इसने ये सारी चीजें इसको बता दी और इसकी बुराई की। तो अब ये जब इसके बारे में बोलने की बात करे व्हाइट पेंसिल के साथ, या ये कर लेते हैं, इसका नाम विनोद, इसका नाम अजय, इसका नाम संजय। अजय और विनोद की लड़ाई हुई, संजय ने विनोद से बात की, तो विनोद को अजय के बारे में बहुत अच्छी बात करनी चाहिए इसके साथ। ये ना हो कि वो जो नमक मिर्च डाली है उसमें और डाल दे। अगर ये विनोद अजय के बारे में संजय से अच्छी बात करेगा तो इन तीनों के रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, मधुर। अदरवाइज रायता फैलने में कोई कमी नहीं रह गई है। इन रिश्तों के बारे में बात करते हैं। बहुत ही बेहतरीन इस दुनिया का रिश्ता जो है सास बहू का। एक बात बताऊं मैं आपको, उससे प्यारा रिश्ता नहीं है। बता देते हैं आपको, हस्बैंड के लिए उसकी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ सेकंड सेट ऑफ पेरेंट्स होते हैं, और वाइफ के लिए उसकी सासू माँ और उसके ससुर सेकंड सेट ऑफ पेरेंट्स होते हैं। मगर ये चीजों दोनों तरफ से चलती हैं। कुछ परिवार मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें सासू और बहू ऐसे रहती हैं मानो बेटी और मां, और ऐसे परिवार आज भी इस दुनिया में हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह बुराई है। हम जब बुराई देखते हैं तो बुराई मिलेगी, और जब हम अच्छाई देखने की कोशिश करेंगे तो अच्छाई मिलेगी। इस बात में बहुत सच्चाई है। कितनी सच्चाई? दूसरी लाइन आपको मालूम है, उतनी ही सच्चाई है जितनी एवरीबडी नोज नाउ। अब इसको रोका कैसे जा सकता है? पहले दिन अगर आप क्लैरिटी से बोल दें कि देखो मां, बड़ी सिंपल सी बात है यार, तेरा मेरा रिलेशन है बेटे और मां का, और तेरा और मेरी बीवी का रिलेशन है सास और बहू का। तो ये जो रिश्ते हैं 1-on-1 रखो आप, एक दूसरे के सर फोड़ो, जो मर्जी करो, मैं शाम को आऊंगा, हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, ना आपको कुछ कहूंगा ना उसको कुछ कहूंगा। अब दिक्कत क्या होती है हमारे समाज में, जिस समाज से हम आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली जिसको बोला जाता है, उसमें समस्या एक ही होती है कि साथ भी रहना है, अलग भी नहीं रहना, और सुनानी भी है। वाइफ के अंदर भरा होता है कि सासू माँ ने आज कितना सताया, और सासू माँ के बारे में भरा होता है कि बेटे को आज मैं बताती हूँ ठीक ये कैसे कैसे कर रही है। आप दोनों एक दूसरे के साथ क्यों नहीं सॉर्ट आउट कर लेते? पूछो क्यों? वो बंदा शाम को आता है 7 बजे, 2 घंटे थोड़ा बहुत इधर उधर रखे रहेगा, 9 बजे के बाद उसकी वैसी भी लाइफ नहीं है, मोदी जी को सुनेगा या कपिल शर्मा को सुनेगा या न्यूज सुनेगा जाके, उसके बाद वो सो जाएगा, सुबह 7 बजे उठेगा, ऑफिस चला जाएगा, वो सिर्फ 4 घंटे के लिए घर पे है। आप दोनों लोग ऑलरेडी पूरे पूरे दिन घर पे हो, तो आप खुद ही सॉर्ट कर लो उन चीजों को। इस रिलेशनशिप 1-on-1 को अगर इस्तेमाल कर लोगे तो इससे बेहतरीन चीज नहीं मिलेगी आपको। रिलेशन 1-on-1 एक ऐसी चीज है, अगर इसको आज से आप प्रैक्टिस में लाना शुरू करें तो यकीन मानिए कम से कम 180 दिन लगेंगे पूरी तरह से प्रैक्टिस में लाने में, उससे पहले नहीं होगी। कुछ टाइम के बाद होगा क्या कि आपको रिलेशन 1-on-1 याद आएगा, उससे पहले आप रायता फैला चुके होंगे। कुछ समय ऐसे आएगा कि आप फोन पे बात कर रहे होंगे और दूसरे की बुराई कर रहे होंगे, रायता फैलने लग रहा है और आपके सबकॉन्शियस में चल रहा है, ओह माय गॉड मैं इससे कैसी बात कर रहा हूं, मगर तब तक आपके मुंह से जुबान से बात निकल चुकी है, कमान से तीर निकल चुका है। जुबान से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आ सकता। ये कटु शब्द है, एक बार निकल गई बात तो निकल गई। और एक और बात आज आपको बताता हूं जो कि बहुत ही जबरदस्त प्रिंसिपल है, हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया। कुछ बुजुर्ग भी हैं हमारे यहाँ पर जो हमारे साथ अवेलेबल है इस समय, कुछ लोग तो स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं। एक्चुअली जो बात दो लोगों में होती है तो वो दो लोगों में होती है, और जो बात तीसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती है वो आपके हाथ से उसका कंट्रोल खत्म हो गया। और कुछ लोग पता कैसे बात करते हैं, बहुत सिंपल बात करते हो, देख एक ना बड़ी जबरदस्त बात बताऊंगा तेरे को या बताऊंगी, पर तेरे मेरे बीच में रहनी चाहिए। रायता फैल गया, तेरे मेरे बीच में नहीं रुकी। जब तेरे पेट में नहीं रुकी वो बात तो उसके पेट में कैसे रुकेगी भाई। तुमने अपने रिश्ते की बात, दो बड़ी मतलब क्लोज रिलेशनशिप की बात आपने तीसरे को बोल दी, आपके पेट में नहीं। देख तू मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, बताऊं क्या हो रहा है मेरे घर में। अब तो वो बन गई आज तक की न्यूज। अब आपके सारे दोस्तों में अब वो जो दोस्त है, आप और आपकी बीवी की बात आपने बताई अपने पक्के दोस्त को, उसने बताई अपने पक्के दोस्त को, उस पक्के दोस्त ने उसके पक्के दोस्त को बताई, अब वो जहान में चली गई आपकी बात। तो ये जो डायलॉग है ना, देख एक बात बताता हूं तेरे को, तू मेरा ना बहुत प्यारा दोस्त है, बट एक 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 बात बता, एक 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 कंडीशन है। क्या कंडीशन? किसी को नहीं बताएगा, कॉन्फिडेंशियल है। और ये बातें तब ज्यादा निकलती हैं जब इंसान की जो सेंसेस हैं थोड़ी स्लो हो जाती हैं। स्लो कब होती हैं? मदिरापान करने के बाद स्लो हो जाती हैं। और फिर वो लहराती हुई आवाज में बोलता है, तुझे क्या मालूम, तुझे आज एक राज की बात बताता हूं, पता है मेरे साथ क्या हुआ। हो गया काम, गई वो बाहर निकल के। और उस टाइम पे गाड़ी भी चला रहा होता है तो उसको लग रहा होता है सब कंट्रोल में। भाई कंट्रोल में नहीं है, तेरी सेंसेस काम नहीं कर रही, रिफ्लेक्सेस स्लो हो चुके हैं। जो मदिरा पान है वो रिफ्लेक्सेस को स्लो कर देती है। और कई बार हम बिना मदिरा पान किए हुए भी अपने रिफ्लेक्सेस को यूज नहीं करते, अपने गट को यूज नहीं करते, अपनी सोल को यूज नहीं करते। जब भी आप कोई ऐसी बात किसी को बताना जाना चाह रहे होते हो, उस टाइम पे अंदर से कॉल आती है, ईशा आती है कि नहीं, एनर्जी में हो आप, आती है ना वो कॉल, प्रीत आप भी, एक कॉल आती है पीछे से कि नहीं गलत है, और आप उस कॉल को अनसुना कर देते हैं और वो काम कर देते हो। और रायता फैलने से कोई नहीं बचा सकता। बहनों के रिलेशन खराब होते हैं, सगी बहनों के 20-20 साल के रिश्ते ऐसे हो जाते हैं कि उसके बाद वो कभी काम बात नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ रिलेशन 1-on-1 के इंप्लीमेंटेशन ना होने की वजह से। और इसमें कुछ लोग जो सुनते हैं वो भी कानों के कच्चे होते हैं। एक भाई एक बहन, सगे भाई बहन, ऐसा रिश्ता यूं जिनको कोई जिंदगी में अलग नहीं कर सकता। एक पड़ोसन की वजह से दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। हालांकि मेरी वहां पे थोड़ी सी क्योंकि मैं दोनों को जानता था, मैंने बीच में थोड़ा सा दोनों को ही बोला। भाई में कोई कमी नहीं थी, बहन में कोई कमी नहीं थी, बहन भाई के रिश्ते बहुत अच्छे थे। वहां पे एक थी पड़ोसन, पड़ोसन ने भाई के बारे में बहन को भरना शुरू किया। पड़ोसन ने, बहन इनोसेंट थी, बहन ने सुनना शुरू किया। और बहन और भाई के बीच में दूरियां ऐसी बननी शुरू हो गई, बहन ने फोन पे भाई से बड़ी अजीब सी बातें करनी शुरू कर दी। मैंने भाई को समझाने की जरूरत नहीं थी कि भाई को कोई लेना देना नहीं था, भाई मेरे जैसा करेक्टर था, पानी बिल्कुल, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था जिंदगी में। वो अपनी बहन को अनकंडीशनल तब से भी प्यार करता था, उस समय भी प्यार करता था और आज भी प्यार करता है। बहन को मैंने बताया कि जो जड़ है वो ये है, वो नहीं चाहती दोनों साथ में रहें। बहन की बातों पर कुछ असर होना शुरू हुआ और बहन जाके भाई से मिलना शुरू कर दी और आज फिर से उनके रिश्ते वैसे ही हैं। यानी कि कई बार एक तीसरा भी रिश्ते बिगाड़ना शुरू कर देता है। अगर बहन उसी समय पर इस पड़ोसन से ये कह देती कि वो मेरा भाई है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूं, अगर उसने ऐसा कह भी दिया है तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा छोटा भाई है वो, और उसने ऐसा कह दिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बार ये भी कह देती, मेरे भाई ने ये बात कही है या नहीं कही है, पर तूने ये बात कह दी मुझे, इसने ये बात कही थी कि नहीं कही थी, मगर इसने तो कह दी। अगर ये बात मेरा भाई मुझे कहे तो मैं मान लूं, और अगर बहन उसी टाइम ये बोल दे कि भगवान उतर के बोलेगा तब मुझे विश्वास नहीं आएगा, मुझे तब विश्वास आएगा जब मेरा भाई ऐसे बोलेगा, ऐसा मेरा भाई नहीं बोल सकता, तो इस पड़ोसन का जो पहली बार इसने भरना शुरू किया था, दूसरी बार इसका मुंह ही नहीं पड़ता इसको भरने का। यानी कि यहां पे हमारी अवेयरनेस काम आती है। कौन सा प्रिंसिपल है 7 गोल्डन रूल्स में? उंगलियों के इशारे से बताओ, कौन बताएगा? अभी सोचना पड़ेगा कौन सा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल नंबर 4, नॉट 5, दिस इज 4, 5th वाला ऑब्जर्वेशन है, 6 नीड 7 पर्पस। तो कहने का मतलब, अगर मैं पूरी तरह से अवेयरनेस में हूं और पूरी तरह से अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं दूसरे को, तो मैं ये रिलेशन 1-on-1 को जी सकता हूं। और अगर मेरी अवेयरनेस एक पल के लिए हटती है तो मैं रिलेशन 1-on-1 को नहीं जीता हूं, क्योंकि आए दिन हम फोन पे बात कर रहे होते हैं। आज ही की बात है, एक मेरा रियल कजन, एक मेरा रियल ब्रदर, मेरे रियल ब्रदर को नहीं पता कि मैं कजन से क्या बात कर रहा हूं, और रियल ब्रदर कजन को नहीं पता कि रियल ब्रदर से क्या बात कर रहा हूं, और बात कुछ इस तरह की है, मुझे दोनों से कोऑर्डिनेट करना है और करना पड़ रहा है, बट दोनों को नहीं मालूम। क्यों? जब वो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे तो अपनी बातें करेंगे। एक ही सब्जेक्ट पे बात हो रही है मेरी दोनों लोगों से, और मैं दोनों लोगों को कम्युनिकेशन भी करा रहा हूं एक साथ, बट किससे मेरी क्या बात चल रही है दोनों को कुछ नहीं पता। दैट्स कॉल्ड रिलेशन 1-on-1। एक हाथ दान करे, दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, दैट्स कॉल्ड रिलेशन 1-on-1। रिलेशन 1-on-1 की नाजुकता को समझने की कोशिश करो। आपके और आपकी वाइफ की केमिस्ट्री क्या चल रही है 10x10 के रूम के अंदर, वो आपके उस 10x10 के रूम के बाहर किसी को पता ही नहीं लगनी चाहिए। दैट्स कॉल्ड रिलेशन 1-on-1। नहीं तो जब तवा गर्म होता है तो सब लोग उस पर अपनी रोटियां सेकते हैं। ये जमाना राक्षसों और पिशाचों से भरा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि पूरी दुनिया में राक्षस और पिशाच हैं, उनकी मैं परिभाषा पहले बता चुका हूं, कौन राक्षस, कौन पिशाच, कौन देवता, कौन इंसान। इंसान कम है, देवता बहुत कम है, बाकी सब दूसरी कैटेगरी के हैं, तीसरी और चौथी कैटेगरी वाले, पहली दूसरी के बहुत कम है। तो जैसे ही तवा गर्म होगा लोग रोटियां सेकेंगे, एंड आई रियली मीन इट। अगर किसी को पता चला कि घर में बेटे की और मां की लड़ाई हुई है तो पड़ोसी उसको खाना ही नहीं खिलाएगा, मदरा पान भी ऑफर कर देगा। मैं हर पड़ोसी की बात नहीं कर रहा हूं, जनरलाइज मत करना इस बात को। वो पड़ोसी जो आपसे अंदर से ईर्ष्या रखते हैं और उसके बाद मां और बेटे के रिश्ते उस लेवल पे पहुंच जाएंगे आपको समझ भी नहीं आएगा। आप खूब लड़ो आपस में, बट रिलेशन 1-on-1 रखो। उन दो लोगों के रिश्ते के बारे में किसी तीसरे को नहीं पता लगना चाहिए। तो आप ये कहेंगे परिवार में कैसे रहें? परिवार में जैसे रहना रहो। देखिए, इसमें एक बड़ी सिंपल सा आपको एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। धर्मपाजी का टंकी वाला सीन कितने लोगों ने देखा है? सीन मस्त है कि बहुत मस्त है? बहुत मस्त, तो दोनों हाथ ऐसे करने का, बहुत मस्त है। यानी कि आपको नहीं लगता कि एक ही टाइम में धर्मपाजी जुगनू में भी रोल कर रहे थे और उसी टाइम पे शोले भी कर रहे थे, उसके कुछ दिन के बाद समाधि भी की थी, और उसके कुछ दिन के बाद उन्होंने धर्मवीर भी की थी जिसमें वो बिल्कुल निकर निकर में आते थे। तो क्या एक कैरेक्टर कभी दूसरे कैरेक्टर में गया उनका? प्रीत हंस रही है, प्रीत कोठारिया हंस रही है। अब वो कह रही है अब इसके अंदर अनुराग सूर्यवंशी की असली आत्मा घुस चुकी है, अब ये हंसाने वाला। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक टाइम पर मां हो तो मां का रोल प्ले करो, और उसी टाइम पे आप पत्नी हो तो पत्नी का रोल प्ले करो, और उसी टाइम पर बेटी हो तो बेटी का रोल प्ले करो। उन सारे रोल्स को मिक्स मत करो। अमिताभ बच्चन की आखिरी रास्ता बहुत लोगों ने देखी होगी, लड़के का रोल में वो लड़का लगता है और बाप के रोल में बाप लगता है। तो वही तो कैरेक्टर प्ले करने के लिए दिया है परमपिता परमात्मा ने आपको। अगर आप डिवाइन पावर में विश्वास रखते हैं तो आपको एक टाइम पे कई सारे रोल दिए हैं, तो वो क्यों नहीं निभाते आप 1-on-1 रिलेशन को यूज करके? दूसरी चीज, आप अपने करेक्टर को बखूबी जियो। अगर एक पिक्चर में एक एक्टर बहुत अच्छा काम करता है तो उस पिक्चर में जब ऑडियंस उसको देखती है तो अगला जो रोल है वो और अच्छा मिलता है उसको दूसरे किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की पिक्चर में। उसी प्रकार अगर आज की डेट में आज एक अच्छा रोल प्ले करोगे तो यकीन मानो अगर परमानंद में नहीं भी जाओगे तो अगला चोला और अच्छा मिलेगा, अगला रोल और अच्छा मिलेगा 100 साल के बाद। अब आप कहेंगे आपने तो तैयारी शुरू कर दी। तैयारी सभी की हो रही है, मैं भी जाऊंगा 67 साल के बाद, आप लोग भी जाओगे, दिनेश जी भी जाएंगे 30 साल के बाद। दिनेश जी 30 ईयर्स अभी है, 30 साल है अभी, टेंशन नहीं लेने का। डीनी आंटी भी अभी है 25-30 साल। तो सब लोगों ने जाना भाई। मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है जो रोल प्ले करने को मिला बस वो रोल प्ले करें। मां से लड़ाई हो गई बेटे की, ये रोल खत्म, अब रोल दूसरा शुरू हो गया। अब किसके साथ रोल शुरू हुआ? अब रोल शुरू हुआ भाई के साथ, तो यहां पे भाई का रोल प्ले करो ना, उसकी मां के बेटे का रोल प्ले मत करो, वो उसकी भी मां है। यानी कि अब आपने भाई भाई का रिलेशन निभाना है, अब आपने कैरेक्टर भाई का रोल प्ले करना है। अब इस भाई की मां के बेटे का रोल प्ले मत करो आप। नाउ इट इज योर ओन आइडेंटिटी, आपका रिश्ता वहां पे उसके साथ पैचअप करने का। अब और अच्छे से समझा देता हूं, और बढ़िया से समझा देता हूं। क्रेडिट कार्ड लोग कितने लोगों के पास हैं? जहन में बात आई है तो रुकूंगा नहीं, बोलूंगा जरूर, रिलेशनशिप पे ही बात करूंगा। एक क्रेडिट कार्ड, दूसरा क्रेडिट कार्ड, तीसरा क्रेडिट कार्ड, चौथा क्रेडिट कार्ड, 4 क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, 5 6 7 खुद कर लेना। एक क्रेडिट कार्ड में पैसे यूज किए, कमा और इसमें डाल, नहीं, अभी रिलेशन 1 on 1 यहां भी यूज नहीं किया बंदे ने। एक क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया, 45 दिन की साइकिल खत्म होने वाली है। कुछ लोग मुस्कुराएंगे, उन्होंने ऐसा किया है, मैंने नहीं किया, मैं क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करता। अब एक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं हो पाई, दूसरे की बीटी, बीटी बोलते हैं, बीटी समझते हैं, बैलेंस ट्रांसफर, इट्स वेरी इजी नाउ। इसमें से बैलेंस लिया और इसमें डाल दिया, वाह ग्रेट फैंटास्टिक। अब दोनों कैप खुल गई, अब दोनों यूज हो रहे हैं। अब क्या हुआ, दोनों की ड्यू डेट आ गई, कुछ इसमें और कुछ बहुत ज्यादा इसमें। तीसरे का बैलेंस लिया, इसमें डाल दिया, इसमें से फिर इसमें डाल दिया, तीनों कैप खुल गई, तीनों घड़े खुल गए। अब फिर चौथा भी खोल दिया। एक टाइम के बाद 4 साल के या 3 साल के बाद 10 क्रेडिट कार्ड खुल गए हैं, सब में 2-2 लाख का बैलेंस है, 20 लाख रुपए की मिनिमम पेमेंट बनती है, 70,000 रुपए महीना सैलरी आती है, 1,70,000 उनमें गए। रिलेशन 1 on 1 अगर यहां भी इस्तेमाल किया होता क्रेडिट कार्ड में तो सारी कैप नहीं खिलती, सारे ढक्कन खुल गए। इसका मतलब एक कार्ड यूज करा, उसमें पेमेंट कमाओ और उसमें डालो, दूसरे को मत छेड़ो, अभी एक खुल गया पहले उसको बंद कर लो। कहने का मतलब एक ढक्कन खुला, यहां भी खोल दिया, अब तीनों के रिश्ते बिगाड़ दिए। कुछ लोग तो इससे ज्यादा करते हैं, बता देता हूं वो भी क्या। 2 लोगों की लड़ाई हुई, भाई को कॉल किया, फिर बहन को कॉल किया, फिर कजन को फोन किया, फिर किसी और को कॉल किया, उसका कॉल ही करना है अब उसको। उसने क्या कर दिया, उसने मां से लड़ाई की, बहन को भी बोला, भाई को भी बोला, सबको बोल दिया, और पूरा का पूरा इसमें एनर्जी उन्होंने कौन सी क्रिएट कर दी, पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव एनर्जी का एक ऐसा साइकिल बनाया, उसको पॉजिटिव होने में 1 महीना लग गया। लोग आते हैं घरों में मिलने एक दूसरे से और वही टॉपिक चल रहा है, और बहन भी मां को डांट रही है, आप ना समझते नहीं हो भाई की फीलिंग। यही तो जनरेशन गैप होता है, उसको करने दे अगर उनकी मन। अरे भाई साहब मां ने कुछ इतना बोला ही नहीं था, मां की सुन तो लो एक बार पहले। या कुछ केसेस में ऐसी माता जी भी होती हैं, उन्होंने बेटे से झगड़ा किया, बिटिया को फोन किया, आंसू बहाए, अब बेटी मां के आंसू देख नहीं सकती, बेटी को रखा, फिर बेटे को बोल दिया। अब वो बहन भाई और कजन अब उस बेटे के पीछे पड़ गए, यार बेटे की तो सुन लो पहले, आपने उसकी सुनी ही नहीं। अब जो सुनने वाले होते हैं ना, ये उनका भी रोल प्ले होता है, उनको भी रिलेशन 1 on 1 आना चाहिए। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो रिश्ते हैं ना, इनको अगर हम तरीके से रखें, यानी कि रिलेशन 1 on 1 अगर मैं आपको समझा पाया हूं ठीक से, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेके। मुद्दे की बात बड़ी सिंपल सी है भाई, एक का रिश्ता एक से। अब आप कहोगे कि अनुराग जो भी पढ़ाता है एक्सरसाइज भी उसी की कराता है, आज एक्सरसाइज कौन कराएगा? अभी तक ना मुझे मालूम है ना मैडम को। हाँ, ये और बात की कि एक्सरसाइज का सेशन अगले 40 मिनट में शुरू हो जाएगा और एक बहुत ही बेहतरीन जर्नी पे आज आपको लेके जाएंगे, इस बात की गारंटी है। बहुत बेहतरीन जर्नी कराएंगे आज आपको। कोई बहुत बढ़िया सी एक्सरसाइज सोच रहे हैं, अभी कौन सी कराए, अभी डिसाइडेड नहीं है कौन कराएगा, मुझे भी नहीं मालूम। अभी अगले 20 मिनट में बता देंगे कौन कराएगा। जिसके ज्यादा वोट होंगे वही एक्सरसाइज कराएगा आज। अभी दूसरा मौका दूंगा मैं आपको वोटिंग का। अभी आप लोग कह रहे हैं कि ये तो लिक्विड ऑक्सीजन में फंसा दिया आपने, हमें तो दोनों ही लोग पसंद है, अब हम क्या करें, अब ये तो आपको डिसाइड करना है। सो कहने का मतलब जो रिश्ते होते हैं ना, वो 1-on-1 अगर हम रखेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। अच्छा, कितने लोग अग्री करते हैं जो मैंने अभी तक बात की उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई थी? सच्चाई थी? कितने लोग हैं जो आज से रिलेशन 1-on-1 की प्रैक्टिस शुरू करेंगे? कितने लोग हैं जिनके कुछ सवाल हैं रिलेशन 1-on-1 के ऊपर, किसी भी तरह का कोई सवाल? और रियली नोबडी हैज एनी क्वेश्चन? पक्का? सर आपका क्वेश्चन, ओ माय गॉड बतूल का क्वेश्चन, सर आप दोनों के क्वेश्चन ले लिए तो 30 मिनट निकल जाएगा। और तीसरे प्रकाश जी का क्वेश्चन हो गए 30 मिनट पूरे। 10 मिनट बतूल ले लेंगी, 10 मिनट प्रकाश भंडारकर ले लेंगे, और दिनेश सर तो 10 मिनट की जगह 20 भी कम पड़ेंगे। और लोग उनको सुन के हंस हंस के, अभी तो शीना हंसनी शुरू हो गई। देखो दिनेश सर आपकी फैन फॉलोइंग देखो, आपके नाम लिया और शीना जी हंसनी स्टार्ट हो गई हैं। देखो कमाल की बात है, वो बैंकॉक में बैठी हैं। चलिए थोड़ा सा क्रिस्पी रहेगा, बहुत क्रिस्पी रहेगा। सिर्फ क्वेश्चन पूछेंगे 30 सेकंड में और फटाफट म्यूट करेंगे। बतूल, गर्ल फर्स्ट फ्रॉम पाकिस्तान कराची। सर आपने बोला रिलेशन 1-on-1 फॉलो करना है। अब जब तक ये नॉलेज नहीं थी और जो हो गया है, जो रिलेशन खराब हो गए हैं, उसको अब कैसे ठीक किया जा सकता है? इसका आंसर मेरे पास है और आपके पास भी है। पूछो कैसे? कैसे? कल का सेशन में थे मॉर्निंग वाले में 11 से 1, वो फॉरगिवनेस वाला ना। हाँ, तो वो फॉलो करने का तरीका बताता हूं। म्यूट करिए खुद को। जो डैमेज हो चुका है वो रिपेयर नहीं हो सकता। सानिया सर आप क्वेश्चन टाइमिंग इतना शॉर्ट क्यों हो गए? रियली नहीं, कोई शॉर्ट नहीं। मैं अभी जो जिस पे आना चाह रहा हूं उस पे आ रहा हूं, उस पे लेके आ रहा हूं इनको सबको। डोंट वरी। सानिया कहां पे हो आप तो दिखाई भी नहीं दे रहे मुझे। आपने अपने आप को वो कर लिया है। ओके, यू आर हियर। सो कहने का मतलब, सानिया आपका भी क्वेश्चन लूंगा, डोंट वरी। आपने बहुत सिंपल सा काम करना है और जो करना है वो सिंपल सा काम है। जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने की तरीका सिंपल सा ये है कि अब जिसको फोन किया था उससे भी माफी मांग लो, जाने अनजाने मुझसे जो भी गलतियां हुई उसके लिए मुझे माफ कर दो। और जिसकी चुगली लगाई थी उसके पैरों में पड़ के माफी मांग लो कि ये मेरी वजह से हुआ था, मैं कल्प्रिट थी, तुम्हें शायद याद नहीं। गॉट इट? माफी मांगने वाले में भी दिल चाहिए होता है बहुत बड़ा। वो दिल मेरे अंदर है, मैं तो सामने से जाके माफी मांग लेता हूं लोगों से। मैंने तो अभी 3 दिन पहले मम्मी को हल्का सा कुछ बोल दिया था, उसके बाद तुरंत गाड़ी में बैठते फोन कर दिया था, मम्मी मेरी गलती थी, डोंट वरी। और बाद में जाके हक भी किया था शाम को पैर छू के। मैं वहीं के वहीं पैच अप कर देता हूं चीजों को। तो कहने का मतलब, माफी मांग लीजिए उस आदमी से जिसके बारे में आपने, जब आपकी 2 लोगों की लड़ाई हुई और इसके बारे में आपने इसको बोल दिया, उसको जाने अनजाने कह के माफी मांग लो और इससे रूबरू होके माफी मांग लो, और जेन्युइनली बस। और उसके बाद आगे बढ़ जाओ और उसको बोलना आज के बाद ऐसा मेरी तरफ से नहीं होगा। रिलेशन 1-on-1 इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके बाद मैं आगे जाना चाहूंगा, थोड़ा क्वेश्चन अभी थोड़ा सा लेट करके ले लेते हैं। शुरू में आप लोगों ने ये कहा था कि आप ऐसी कोई बूटी चाहते हैं कि दूसरों के जो सबकॉन्शियस माइंड हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड आप कंट्रोल कर सकें। ऐसी अगर कोई बूटी मैं आपको दे दूं तो आनंद आ जाएगा। सानिया हाँ या ना में हाथ उठा के बता दो। डू यू हैव एनी क्वेश्चन और नॉट? ना अभी तो नहीं। यू हैव एनी क्वेश्चन और नॉट? सानिया अभी नहीं। ओके, डोंट वरी। तो मैं स्ट्रेट अवे उसी के ऊपर आ रहा हूं। मुझे लगा कि क्वेश्चन शायद कुछ लोगों के रिलेशनशिप से हो, तो मैं रिलेशनशिप को 1-on-1 को और आगे डिफाइन कर दूं। बट बतूल का क्वेश्चन कुछ और था कि अगर ये डैमेज हो चुका तो डैमेज हो चुका, तो उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हम, वो हो चुका है। आप तो सिर्फ फॉरगिवनेस वाला काम कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल। तो आपने अगर अपने न्यूरॉन्स को कमांड दे दी तो वो आपके लिए काम करेंगे। दूसरों के न्यूरॉन्स को कमांड अगर आप दे दें तो भी वो आपके लिए काम करें, ऐसा भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है बताइए। कुछ लोग देखो, इसमें थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी होगी और मैं एडिटर साहब से कहूंगा कि अगर आपको लगे कहीं भी थोड़ा सा भी कॉन्ट्राडिक्टरी और सेंसिटिव आ रहा है तो अगले जो पार्ट है वीडियो का उसमें से आप कहीं पे भी कट लगा सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। एडिटर साहब ये आपके लिए था। तो होता क्या है कि यहां पे कुछ लोग कहते हैं ड्रीम बड़े बनाओ पर लोगों से शेयर मत करो। बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो लोग क्या करेंगे, मखौल उड़ाएंगे, है ना। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट, उसको मैं इस्तेमाल भी करता हूं। ये अगला जो सेशन है ना 10 मिनट का, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में किया है। एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कैसे। फेक इट टिल यू मेक इट, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आप ये मत बोलो कि मैं रिच हूं, आप ये बोलो कि मैं रिच हो रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बोलो। और मैं कहता हूं आप ना तो रिच हूं ये बोलो और ना ये बोलो कि मैं हो रहा हूं, आप फील करो, यू फील दैट आई एम रिच, इट्स वेरी सिंपल। फटाफट जवाब देंगे। कितने लोग हैं यहां पर जो महीने में 6 दफा सब्जियां खरीदती हैं? 10 दफा कितने लोग खरीदते हैं? 10 दफा तो खरीदते हैं ना, 10 दफा ऑन एन एवरेज पकड़ के चल रहा हूं, यानी कि एक साल में कितनी दफा सब्जी खरीदते हैं और फ्रूट्स मिला के? लगभग 100 दफा। इंडियन करेंसी में आप लोग मालूम है क्या कैलकुलेट करते हो? अब दूसरों के ब्रेन्स कैसे कंट्रोल होंगे वो बता देता हूं, फ्री की एडवाइस है, फ्री की एडवाइस मान के यूज ना करो, ऐसा मत करना, नुकसान आप अपना करोगे। एडवाइस फ्री में मिल रही है इस दुनिया में, खासतौर से हमारे देश में ऑक्सीजन और एडवाइस फ्री में मिलती है, ये एडवाइस ऐसी नहीं है। अब बताता हूं न्यूरॉन्स कैसे काम करेंगे दूसरों के। कितने लोगों को लगता है कि दुआओं में बहुत ताकत होती है? ओके, गेट इट। कितने लोगों को लगता है कि वो दुआएं वाकई में उस अदृश्य शक्ति तक पहुंचती है? ग्रेट। और कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि दूसरों की दुआओं के साथ साथ उनके सबकॉन्शियस माइंड भी आपके लिए काम करें? फैंटास्टिक। एक लेडी या एक फैमिली का बंदा जो सब्जी लेके आता है साल में 10 दफा सब्जी खरीदता है और फ्रूट्स मिला के। और हमारे यहां पे कैलकुलेशन क्या होती है? हमारे यहां कैलकुलेशन होती है, एक बार सब्जी लेके आए 800 रुपए की, उसमें मैंने 25 रुपए बचाए, साल के बचाए 2500। आपने साल के तो 2500 बचाए, बट सब्जी वाले के न्यूरॉन्स में डाल दिया कि ये बड़ा चिंदी है, ये मुंजी है, ये कंजूस है। अगली लाइन नहीं बोलूंगा, अब आगे चलिए। एक बार सब्जी खरीदने के बाद जितने की सब्जी आपने ली उसको 50 रुपया एक्स्ट्रा देने आपने। भाई साहब अनमोल न्यूरॉन्स काम करेंगे आपके लिए, तरीका मैं बता रहा हूं, अभी मैं इसकी टेक्निकल चीजों में नहीं जा रहा, ये एनएलएस का पार्ट है, ये एनएलपी में कोई नहीं सिखाता, बट चैलेंज ये है कि वो एनएलपी सिखाने वाले इसको यूज करते हैं और इसको यूज करके आपकी पॉकेट से पैसा भी निकाल लेते हैं। मैं एनएलपी को बहुत माइन्यूटली एनएलएस के साथ यूज करता हूं। ये स्पिरिचुअलिटी की बात आ रही है अब यहां पे। आपने 50 रुपए उसको एक्स्ट्रा देने हैं अगर 800 रुपए की सब्जी खरीदी, 100 दफा सब्जी खरीदी साल में, कितने पैसे गए आपकी पॉकेट से? 5000 गए, 5000 ही गए ना। एक साल में आपकी फैमिली की इनकम है ना कम से कम 10 लाख रुपए, तो क्या 5000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते 10 लाख में से? भाई 0.5% बनता है। गेटिंग माई पॉइंट, इजंट इट? एम आई राइट और रॉन्ग? मैं ठीक हूं या गलत हूं? ओके, आगे चलते हैं। अब उस सब्जी वाले के जहन में क्या फील आएगी आपके लिए? वो साहब आते हैं बहुत अच्छे हैं, वो मैडम आती हैं बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छी दिल की हैं, बहुत साफ दिल की हैं, बहुत रिच दिल की हैं और बहुत रिच फैमिली से हैं। आपके लिए उस सब्जी वाले के न्यूरॉन्स काम करना शुरू कर चुके हैं कि आप क्या हो, बहुत अच्छी हो, अच्छे हो, बहुत दिलदार हैं, रिच हैं। 10 से 12 दफा करोगे, वो खुदगर्ज आदमी है, उसके न्यूरॉन्स आपके लिए काम करेंगे और अगली बार वो आपको 50 रुपए का कहीं ना कुछ एक्स्ट्रा देगा। अब आगे सुनिए। अब मैं उनसे बात कर रहा हूं जो बार्बर शॉप में जाते हैं। आप गए बार्बर शॉप में, आपका बिल बना 500 रुपए। आपने कहा 500 रुपए क्या किया तूने? सर ये वाला फेशियल कर दिया। आप उससे 20 रुपए छुड़ाने में लग जाते हो। 500 रुपए आपके लगे, आप उसको 100 रुपए एक्स्ट्रा देके आओ, 600 रुपए देके आओ। साल में कितनी बार कटिंग कराते हो भाई? 10 बार। साल की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1000 रुपए। एक बंदा वहां पे आया होंडा सिटी में, जूप करके होंडा सिटी रुकी, वो अंदर घुसा, उसके वो बाल काट रहा है, और आप गए अपनी बाइक पे और आपने सिर्फ 600 रुपए पॉकेट में रखे थे। 500 का बिल बनेगा, 100 एक्स्ट्रा देने हैं। आपकी जेब में कितने पैसे हैं? 600 रुपए। होंडा सिटी वाले की जेब में कितने पैसे हैं? 5000 रुपए। उसके वो बाल काट रहा है। और जैसे ही आप जाएगा 2-3 बार आप ये काम करोगे, उसके बाद सब आइए बैठिए प्लीज, वो आपको मर्सिडीज वाले की रेस्पेक्ट देगा। उसके न्यूरॉन्स, उसका सबकॉन्शियस माइंड आपके बारे में वाइब्रेशंस डालेगा दैट यू आर ए रिच पर्सन। आपकी साल की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1000 रुपए की। क्या ऐसा हम लोग कर सकते हैं? हां कर सकते हैं। क्या आप में से ऐसा कुछ लोग करेंगे? नहीं करेंगे। पर्सनल एग्जांपल देता हूं। 2.5 से 3 महीना, मेरे बच्चे भी शायद सुन रहे होंगे, बेटा आप लोगों को ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। 2.5 से 3 महीना सेविंग करता था मैं 5 स्टार होटल में 42 रुपए की कॉफी पीने के लिए। अपने न्यूरॉन्स को यह मैसेज कन्वे करने के लिए कि सिर्फ 5 स्टार में फिल्म स्टार ही नहीं जा सकते। और मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जब 5 स्टार में जाना बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 1995, 96, 97, 98। एंड गेस व्हाट हैपेंड? दिल्ली एनसीआर का ऐसा कोई 5 स्टार नहीं है जिसमें मैंने लंच या डिनर ना किया, और वो सारे पेड थे। उसके बाद जितने भी डिनर किए हैं वो सारे पेड होते थे किसी ना किसी और की वजह से, क्योंकि मैंने अपने न्यूरॉन्स में सिग्नल डाल दिए थे। गेटिंग माई पॉइंट? सो ये आपको सिग्नल डालकर उस वाइब्रेशंस तक पहुंचना होगा। दैट इज कॉल्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक साइंस। ये है एक्चुअल न्यूरो लिंग्विस्टिक साइंस, यानी कि आप दूसरों को कैसे, ये तो मैंने अभी प्रैक्टिकल लाइफ मास्टरी की चीजें बताई हैं, इसमें तो अभी टेक्निकल चीजें आएंगी कि आप दूसरों के न्यूरॉन्स में अपनी बात कैसे डालते हो, बता देता हूं। अभी वो सज्जन शायद मौजूद नहीं है, उनका आज पर्सनल सेशन था मेरे साथ सवेरे 7 बजे। 7 बजे उनका पर्सनल सेशन होता है क्योंकि वो मेरे ईसीएसएफ में है। उनको मैं ये कहता था कि लुक, आपको अगर ट्रेनिंग फील्ड में आना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड ईसीएसएफ। तो उन्होंने पहली बार बोला मुझे कि यार एक बात बताओ कि आप इतना कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन कहां से लाते हो? कि मैं ये देख रहा हूं पैंडेमिक में आपने कंपनी स्टार्ट करी और आपके ऑफलाइन इवेंट सारे के सारे धुल गए, उसमें कुछ नुकसान हुआ, आपने बुकिंग से कराए हुए थे कुछ होटल्स के, और उसके बाद पेंडेमिक में आपने सारी चीजें सिस्टम से शुरू करी, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन कैसे आता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन्स की बात है। तो मैं जिससे भी बात करता था ये बोलता था कि लोग, मेरा ईसीएसएफ अभी 1,51,000 का है, और मैं बात कर रहा हूं आज से 8 महीना पहले। गेटिंग माई पॉइंट? और ये ईसीएसएफ में 2021 में 5,51,000 का बेचूंगा। मैंने क्या किया बताओ? मैंने कुछ और लोगों के न्यूरॉन्स में डाल दिया कि एक्सेलेंस कोचिज सक्सेस फॉर्मूला फ्रॉम 1 जनवरी 2021 विल बी सोल्ड ऑन ए प्राइस ऑफ 5,51,000। तो ये तब से डालना शुरू किया, और अब मेरे ईसीएसएफ में कितनी पेमेंट आती है मालूम है? 2,51,000, उससे कम नहीं दे रहा मैं। और मैंने ये कल अनाउंस किया अपने एक सेशन में कि मेरा ईसीएसएफ 1 जनवरी से 5,51,000 का मिलेगा, एंड इट इज डन। तो मैंने न्यूरॉन्स में सामने जो 25 लोग बैठे थे उनके न्यूरॉन्स में भी डाल दिया कि 5,51,000 का ही मिलेगा। अब मेरे साथ साथ कुछ और लोग भी उस चीज को डाल रहे हैं यूनिवर्स में, 5,51,000 का कर दिया यार उसने। तो किसके न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं मेरे लिए? अब जो लोग मेरा भला नहीं चाहते या पीछे से परेशान है, वो लोग भी यही सब चीजें सोच रहे हैं। और फायदा किसका हो रहा है? फायदा हो रहा है सक्सेस लेगेसी और अनुराग सूर्यवंशी का। अब वही इंसान आज सुबह बैठे, उन्होंने कहा यार एक बात बताओ, उन्होंने मेरे से चौथी बार ये पूछी आज सुबह के सेशन कि यार एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना है मुझे आपसे। मैंने कहा पूछो। उन्होंने कहा आपके पास ये कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन कहां से आता है इतना। मैंने कहा पहली चीज जो माल मैं बेच रहा हूं वो पूरे देश में नहीं है, और ये बात मैं बोलता भी हूं आप लोगों से, तो मैं आपके सबकॉन्शियस को इस्तेमाल करता हूं अपनी विश पूरा करने के लिए, बिकॉज आई हैव गॉट अ बर्निंग डिजायर इन माई गट। मेरे नेवल के ऊपर का जो हिस्सा है उसमें बटरफ्लाई चलती रहती है टाइम पे, बिकॉज आई नीड टू क्रिएट 20,000 ट्रेनर्स इन नेक्स्ट 1 decade and I want to touch 2 crore families in this country and that's my mission। और ये मैं आप सब लोगों के न्यूरॉन्स में डाल देता हूं। कुछ लोग कहते हैं मत डालो, क्यों नहीं डालो भाई, अनमोल है उनके ब्रेन, उनके ब्रेन से सिग्नल जाएंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाएंगी। दैट इज हाउ आई यूज एनएलएस। इस तरह से मैं यूज करता हूं एनएलएस। और आपको क्या लगता है जो मैं वर्ड्स बोलता हूं वो वर्ड्स मेरे आपको मेरे लगते हैं या आर्टिफिशियल लगते हैं? आर्टिफिशियल लगते हैं तो लाइव चल रहा है अभी बोलो आर्टिफिशियल लगते हैं, 2 बोलो, और जिनको लगते हैं मेरे वर्ड्स मेरे अपने, 1 उठाओ, 1 उंगली दिखाओ। कैन यू बिलीव इट? इट हैपन्स। वो अंदर जल रहा है। अंदर क्यों जल रहा है? 14 साल से बहुत नजदीकी से देखा ट्रेनिंग इंडस्ट्री को। ट्रेनर्स खत्म हो जाते हैं, ट्रेनर्स बर्बाद हो जाते हैं। लोग लोगों को बोल देते हैं जॉब छोड़ दो। मैं कहता हूं जॉब मत छोड़ो जब तक 3 गुना इनकम नहीं हो जाए आपकी, या फिर जो आपका घर का सर्वाइवल है 1 महीने का उसका कम से कम 24 गुना बैंक में ना बढ़ाओ। जॉब छोड़ने की बिल्कुल हिमाकत मत करना। ये ट्रेनिंग इंडस्ट्री है, हलवा नहीं है ये। इसमें खुद को स्टैब्लिश करने के लिए बहुत कुछ चाहिए। वो सब चीजें देखने के बाद मैंने सक्सेस लीगेसी का एक प्लेटफॉर्म बनाया सब लोगों के लिए, और वो अंदर से निकलती है चीजें। तो आप दूसरों के न्यूरॉन्स को इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपने ड्रीम्स को शेयर करो। अपने ड्रीम्स को मत शेयर करो यार, ड्रीम्स को शेयर करने की बात नहीं कर रहा। अपने मिशन और अपने पर्पस को शेयर करो। अपने पेरेंट्स से अपने पर्पस और मिशन शेयर करो, ड्रीम शेयर मत करो। मैं तो नहीं बताता मेरी कौन सी ड्रीम कार है, वो मेरे अंदर है, वो मैं जब आएगी दिख जाएगी, उसको मैं शेयर नहीं करता। ड्रीम का मखौल उड़ाते हैं ना लोग, लीव इट, मत बात करो। बट आपकी जिंदगी में क्या आपके उस ट्रेन के डब्बे में सिर्फ 8 लोग ऐसे नहीं है जिनसे आप अपना मिशन शेयर कर सको? ट्रेन के डब्बे जो लोग नए हैं वो समझ नहीं पा रहे होंगे। मेरा कहने का मतलब है आपके जो क्लोज सर्कल के फैमिली के लोग होते हैं ब्लड रिलेशन में, वो सिर्फ 8-10 ही होते हैं। क्या वो 8-10 लोगों से आप मिशन शेयर नहीं कर सकते? तो आप जो वाइब्रेशन डालेंगे आपके माँ बाप भी तो डालेंगे उसी मिशन को पूरा करने के लिए। दैट्स कॉल्ड एनएलएस, और इसकी टेक्निकल चीजें बताई जाती हैं एनएलएस में। वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, वो नीरज जी का सब्जेक्ट है। सो कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है कि आप दूसरों के ब्रेन्स को यूज कर सकते हो। कैसे यूज करोगे उसका एक सिंपल तरीका बता देता हूं। जितना ज्यादा एनालाइज करोगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपको पैरालिटिक अटैक होने के। एनालिसिस गेट्स पैरालिसिस। प्लीज डू नॉट एनालाइज एनीथिंग एज फार एज ह्यूमन ब्रेन इज कंसर्न। ज्यादा एनालाइज मत करो उसको कि ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा तो वैसे होगा। सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी में विश्वास रखो, और आपके जो मन के थॉट्स हैं, जो मिशंस हैं, जो पर्पस हैं, वो एटलीस्ट 10-12-15 लोगों को बता दो। मैं खुले में बताता हूं सबको कि सक्सेस लीगेसी इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर दोज पीपल हू रियली वांट टू ऐड सम वैल्यू इनटू देयर लाइफ, एंड दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। And Success Legacy is a one-stop solution for those people who really want to explore training industry as a trainer, coach, mentor, transformer. And I'm not a mentor, I'm not a teacher, I'm not your trainer or mentor or coach, I'm a transformer. मेरा रोल बड़ा सिंपल सा है। हनुमान में जो जामवंत का रोल था वो मेरा रोल है। मैं सिर्फ आपको आपकी शक्ति याद दिला सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। और ये ECSF में जो लोग एनरोल करते हैं उनको भी मालूम है, जो पर्सनल सेशन होते हैं मैं सिर्फ और सिर्फ उनको उनकी शक्तियां याद दिलाता हूं। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं करता मैं। सो कहने का मतलब आप अपने न्यूरॉन्स को इस्तेमाल करो, अपने मिशन और पर्पस बताओ लोगों को। जैसे मैं बताता हूं, मैं भी तो शेयर करता हूं आप लोगों से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वन ऑफ माई मेंटोर्स सेज, मैं उनकी बात को फॉलो नहीं करता, दो ही इज माई मेंटोर, गुरु है मैं मेरे, बट उनकी बात और मेरी बात कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी आ जाती है। वो कहते हैं अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स, अपने पर्पस शेयर मत करो। मैंने व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, दैट आई विल नॉट फॉलो, बिकॉज मैं अपने ही प्रिंसिपल को कैसे डिस्कार्ड कर सकता हूं? दिस यूनिवर्स इज ऑल अबाउट पॉजिटिव वाइब्रेशंस। अगर मैंने अपने मिशन डाल दिए और वो मेरा भला भी नहीं चाह रहा तो वो तो सोच सोच के परेशान हो जाएगा बेचारा, सोच सोच के परेशान हो जाएगा कि इसका इतना बड़ा मिशन है और वही वाइब्रेशन जाती रहेंगी यूनिवर्स में। जब भी सोचेगा तभी वाइब्रेशन जाएगी, जब सोचेगा तभी वाइब्रेशन जाएगी। जब भी आप कोई चीज सोच लेते हो वो यूनिवर्स में चली जाती है, 101% चली जाती है। इसके ऊपर कई सारे एग्जाम्पल्स हुए। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा मैं आपको। जापान टापुओं का देश है, जापान एक टापुओं का देश है। कुछ लोगों ने स्टोरी सुनी होगी मुझसे या किसी और से, सच्ची कहानी है। कुछ साइंटिस्ट ने वहां पे कुछ रिसर्च की और वहां बंदर रहते थे, वहां पर बंदर रहते थे। तो हुआ क्या कि वहां पर बंदर जो रहते थे उनके लिए खाने पीने की सारी चीजें वहां से हटा दी गई और मिट्टी के अंदर जमीन में स्वीट पोटैटो, शकरकंदी थी। उन्होंने मिट्टी में से शकरकंदी निकाली और समुद्र के पानी में भिगोई और निकाली और खाना शुरू कर दी। वहां से 500 मील दूर दूसरा एक टापू था। शॉर्ट में बता रहा हूं ये स्टोरी, ये सच्ची बात है। साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इसको एलैबोरेट नहीं कर रहा मैं, क्रक्स बता रहा हूं, सिर्फ टाइम नहीं है। वहां से 500 मील दूर एक और टापू था जिसपे बंदर रहते थे। वहां पर खाने की सारी सामग्री थी, दूसरे फल फ्रूट भी थे। वहां पर भी बंदर जमीन में से शकरकंदी निकालते थे, निकालना शुरू कर दिया और पानी में भिगो के खाना शुरू कर दिया। दिस इज कॉल्ड वाइब्रेशंस। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आ गया है तो यह मत सोचना कि वो आइडिया आपका है, या तो किसी और के दिमाग में आ चुका था और वो आपके दिमाग में आया है, आपने कैच कर लिया, आप उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंच गए। या फिर अगर आपके दिमाग में आया है फटाफट उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए, नहीं तो दूसरे लोग इंप्लीमेंट कर देंगे। Getting my point? जो चीज आज की डेट में सक्सेस लेगेसी कर रहा है, इस इंडस्ट्री के कुछ धुरंधरों ने बिना ये पता लगे, हमें भी नहीं पता, उन्हें पता भी नहीं हम क्या कर रहे हैं, बिना पता लगे वो काम शुरू कर दिया। वो इस इंडस्ट्री के धुरंधर फेसबुक पे आते थे, यूट्यूब पे आते थे। Guess what are they doing right now? They are conducting contributory sessions. But we are very fortunate कि हमने इसको सबसे पहले implement किया और हम यहां मंडे को आके आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते। हम पिछले 8 महीनों से ये कंडक्ट कर रहे हैं ये सेशंस, और इसी इंडस्ट्री के कुछ धुरंधर लोग अब कॉन्ट्रीब्यूटरी सेशंस कर रहे हैं। या तो उनको पता लगा, तो पता लगा तो मैंने इस इंडस्ट्री के लिए अच्छा किया, लोगों को फ्री में कुछ चीजें मिलनी शुरू हो गई, और अगर पता नहीं लगा तो वो आइडियाज उन तक पहुंच गए। तो कहने का मतलब आज का जो टॉपिक था रिलेशन 1-on-1, उसको मैंने ठीक से कवर करने की कोशिश की, और ये जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस की बात है इसके बारे में थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। 9:24 हो गए हैं, 23 हुए हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ उठाइए किसको पूछना था। रिलेशन 1-on-1 के बारे में पूछेंगे, सिर्फ रिलेशन 1-on-1 के बारे में। एनएलएस के बारे में पूछेंगे तो 10:30 यहीं पे बच जाएंगे। हल्का सा पूछ सकते हैं। प्रकाश भंडारकर आप कुछ पूछना चाह रहे थे, स्ट्रेट अवे 30 सेकंड में क्वेश्चन पूछिएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर कोई क्वेश्चन नहीं है। सर आपने इतने अच्छे से सारे पॉइंट्स कवर किए और समझाया सर, उसके लिए बस दिल से आपको थैंक्स बोलना था। देयर इज नो एनी क्वेश्चन, सो थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। सो नाइस ऑफ यू प्रकाश जी, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड कीप ग्रोइंग इन योर लाइफ। ओके, 2 लड़कियां यहाँ पे प्रश्न करना चाहती हैं। पहला प्रश्न सानिया ने हाथ उठाया था और दूसरा प्रश्न उषा। दोनों लड़कियों से भी बात करता हूं। सानिया बेटा आपकी टर्न है पहली, कम ऑन। लाहौर पाकिस्तान से सानिया। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। नमस्ते एवरीवन। सर मैंने ये पूछना था कि आपने ये बताया कि 1-on-1 को शुरू से ही अगर मैनेज किया जाए या इसको टैकल किया जाए तो फिर ये जाके आगे से एक लाइन बनती है जहां पे रिलेशन जो है वो मजबूत होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जब ये चीजें खराब हो जाती हैं हमें उसको भी ठीक करने का कुछ ना कुछ प्रोसीजर देखना चाहिए, ना कि हम ये कहें कि नहीं ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? जब आपने कहा है कि हम सबकॉन्शियस माइंड को लेके चल सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को हम पीछे लगा सकते हैं, तो फिर जब एक चीज खराब है उसको ठीक करने के लिए हम अपनी पॉजिटिव जो वाइब्रेशन है वो क्यों नहीं सेंड कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर नहीं कर सकते तो फिर तो हम किसी तरीके से पहले भी नहीं कर सकते। आई एग्री। मैंने किया कि नहीं हो सकता, मैंने तो सिर्फ रिलेशन 1-on-1 को एक कॉन्सेप्ट बताया है, बट मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि आप उसको ठीक नहीं कर सकते। आप फॉरगेट, आपने बतूल ने यही क्वेश्चन किया था कि जब ये सारा जो भी प्रॉब्लम आ रही है ये क्रिएट हो चुकी, 1-on-1 में प्रॉब्लम हो चुकी, उसके बाद हम उसको कैसे जो है वो टैकल कर सकते हैं, कैसे उन जो रिश्ते हैं उनको एक लाइन में ला सकते हैं। तो आपने कहा नहीं, जब वो खराब हो गए तो उसके बाद वो ठीक नहीं हो सकते। नहीं, ये मैं आपने, अगर मैंने ऐसा बोला है तो मेरे शब्द मैं वापस लेता हूं बतूल। मैंने ऐसा बोला कि खराब हो गए तो ठीक नहीं हो सकते, ऐसा ही बोला मैंने। अगर मैंने ऐसा बोला है तो मैं माफी चाहता हूं और एडिटर साहब उसको एडिट कर दीजिएगा, ये मेरा मानना नहीं था। मैंने ऐसा नहीं कहा कि खराब हो गए तो ठीक नहीं हो सकते, मैंने कहा फॉरगिवनेस कल जो मैंने कराया था वो कीजिए, अब उसका सॉल्यूशन ये। अब तो रिश्ते बिगड़ चुके हैं, बिगड़ने के बाद जहां तक बिगड़ चुके हैं, अब उसमें आप रिलेशन 1-on-1 इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो तो हो चुका, आगे से करेंगे। बट अब आप दोनों लोगों के बीच में सामंजस्य स्थापित करें। मैंने ये बोला था कि आप जिसको आपने चुगली लगाई है, जिसको ये बात बोली, उसको बोलो कि गलती हो गई, और जिसके बारे में किसी को बोला उसको तो पैर पकड़ के नमस्ते करो, बोलो कि गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। ये जो गलती हो गई अगर हम कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो सबकॉन्शियस माइंड है वहां पे जो एक दूसरे के लिए जो गिरा बन जाती है वो कभी भी नहीं जाती, क्योंकि जब एक दफा गिरा लग जाती है वो ये माफी मांगने से या एक्सक्यूज करने से वो दिल साफ नहीं होते। और ये इस तरह के बहुत से केसेस हैं, जरा सी कोई बात होती है वापस वो सारी मेमोरी जो है वो रिन्यू हो जाती है। उस मेमोरी को कैसे खत्म करें, जबकि वो जो एक गिरा लगी थी वो साफ होने में बहुत टाइम लेती है। आप मुझे ये सिर्फ समझाएं कि ये हम वाइब्रेशन कैसे भेजें जिसकी वजह से ये जो एक दफा गिरा लग जाती है खानदानों में या फैमिली में या फिर अपनी कोर फैमिली के दरमियान में, उसको हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा सानिया, ये टॉपिक थोड़ा सा आगे चला गया। अभी मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं रिलेशन 1-on-1 के बारे में, कि 1-on-1 रिश्तों में कोई कंफ्यूजन है कि किस तरह से बोले किस तरह से नहीं बोले। आपने जहां तक जो बात कही वो एनालिसिस का पार्ट है, वो मैं यहां नहीं ले सकता चाह के भी। इट विल टेक एटलीस्ट 1 आवर, पूरा सेशन हो जाएगा उसके बारे में, क्योंकि वो जो अभी मैं उसको समड अप कर देता हूं, बहुत ब्रीफली बता देता हूं। आप अगर दोबारा कहेंगे तो दोबारा मैं आपको अनम्यूट करूंगा, इसके लिए आप हाथ उठाइएगा। देखिए, जो पैचवर्क करना है वो हम ही को करना है, उसके लिए एक्सरसाइजेज होंगी जो आपको रेगुलर बेसिस पे करनी होंगी, फिर वाइब्रेशंस भेजनी होगी। पहले तो मैं बतूल से जानना चाहूंगा, बतूल आप बताएं मैंने एग्जैक्टली आपको क्या कहा था और क्या नहीं कहा था। बतूल ने हाथ उठाया था, बताइए आप उसमें कुछ प्रकाश डालना चाहते हो तो बताइए, और अगर मैंने ऐसा कहा तो इट्स माय फॉल्ट। सर आपने ये बोला था कि जो हो चुका है अनअवेयरनेस में, आपने मतलब जो कर दिया है उसके लिए आप सिर्फ फॉरगिवनेस कर सकते हो, मतलब फॉरगिवनेस से आप उसको उसका पैचवर्क कर सकते हो, लेकिन मतलब और आगे ये प्रॉमिस कर सकते हो कि आप ये रिलेशन 1-on-1 फॉलो करोगे बस, एंड देन मूव ऑन, फॉरगेट अबाउट इट एंड देन मूव ऑन, माफी मांग लो सर। यस, ओके, सो नाइस ऑफ यू। अब हो क्या रहा है मैं बताता हूं, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालता हूं। जो चीजें बिगड़ चुकी हैं उनको सुधारने के लिए फॉरगिवनेस, अंडरस्टैंडिंग, पॉइंट ऑफ व्यू और ऑब्जर्वेशन, अवेयरनेस, उस तरह के टॉपिक्स आगे आएंगे। बट अभी सिर्फ रिलेशन 1-on-1 की मैं बात कर रहा हूं। अगर रिलेशन वन ऑन वन यूज ही नहीं करता ना कोई, प्रॉब्लम तो यही है। मैंने शुरुआत जो की थी वो यही की थी। आप में से कितने लोग अग्री करते हैं कि रिलेशन 1-on-1 हम रखते ही नहीं है, हम इधर की बात उधर जाने अनजाने और उधर की बात इधर हमेशा करते रहते हैं, फ्लिप फ्लॉप करते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं फ्लिप फ्लॉप ना करें। इस रिश्ते 1-on-1 को समझने के लिए कुछ और क्वेश्चंस हैं तो वो रेज करें, बट अगर कोई डैमेज हो चुका है तो उसका पैचवर्क किया जाएगा, वो फॉरगिवनेस से किया जाएगा, वो मेडिटेशन से किया जाएगा, वो बैठ के आमने सामने बात करके किया जाएगा। मगर फिर भी रिश्ते नहीं सुधरते तो बड़े बुजुर्ग आएंगे और उन गांठों को धीरे धीरे करके सुलझाएंगे, एकदम से नहीं सुलझेंगे। अब वो तो अब खराब हो चुकी है, खराब ना हो। देखिए, मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी चीज बता देता हूं, इसको और समड अप कर देता हूं। सानिया आपका क्वेश्चन बड़ा वाजिब है, बट ये क्वेश्चन आप एनालिस्ट में कल पूछेंगे मैडम से, कल आपकी क्लास है। हाँ सानिया, मैं अभी लेता हूं आपको। देखिए मैं समड अप कर देता हूं। दो इंडस्ट्री हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। एक इंडस्ट्री में हमारे दिनेश जी भी हैं, उनका भी क्वेश्चन लेना है और हमारे पास कुछ समय अभी है। अभी मेरे पास 11 मिनट है, 9:40 पे हम शुरू करेंगे मेडिटेशन। एक इंडस्ट्री है फार्मा इंडस्ट्री। वो किस लिए बनाई जाती है? वो बनाई जाती है किस लिए? वो बनती है, लोग बीमार हो चुके हैं, अब उनको ठीक करना है। एक होती है वेलनेस इंडस्ट्री, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मैं वेलनेस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं अभी कि आप प्रिवेंट कर सकते हैं चीजों को। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आई वुड बी आंसरिंग ओनली दोज क्वेश्चंस जो प्रिवेंशन से रिलेटेड है, वेलनेस से रिलेटेड है। अब आप फार्मा इंडस्ट्री का क्वेश्चन अगर वेलनेस कोच से पूछोगे तो वो तो यही कहेगा कि अब तो बीमारी हो चुकी है, अब तो सर्जरी करानी पड़ेगी। मैं बात कर रहा हूं कि कौन से ऐसे काम किए जाए कि आपको ब्लॉकेज ही ना हो। तो आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिवेंशन एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो मैं वेलनेस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, मगर ये जो क्वेश्चन आपका वाजिब है इसको कल आप एनालिस्ट में जरूर पूछेंगे सानिया। और आप बात कर रहे हैं फार्मा इंडस्ट्री की, जो डैमेज हो गया वो हो गया, उसके पैच वर्क के लिए दवाई लेनी पड़ेगी। मगर मैं बात कर रहा हूं कि दवाई लेने की नौबत ही ना आए, तो मैं उस वाले एरिया में अभी ऑपरेट कर रहा हूं और टॉपिक भी वही था आज का। और आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है फार्मा इंडस्ट्री का। सानिया, अगर आपका दोबारा से क्वेश्चन यही रहेगा पैच वर्क का या सबकॉन्शियस में जाने का, तो मैं आपकी बात नहीं सुन पाऊंगा, इसको माइंड मत करना। बट अगर अब आपका क्वेश्चन वेलनेस इंडस्ट्री यानी जो टॉपिक है मेरा प्रिवेंशन का उससे रिलेटेड है, तो मैं आपका क्वेश्चन ले पाऊंगा। जो डैमेज हो चुका है उसके लिए एनालिसिस इस्तेमाल किया जा सकता है, जो डैमेज हो चुका है उसके लिए रेकी हीलिंग एनर्जी यूज की जा सकती है, जो रेकी में है वहां पर यह हीलिंग में सब कुछ सिखाया जाता है। जो डैमेज हो चुका है उसके लिए एक्सरसाइज करी जा सकती है, जो डैमेज हो चुका है उसके लिए फॉरगिवनेस यूज किया जा सकता है, अंडरस्टैंडिंग यूज किया जा सकता है, सब कुछ यूज किया जा सकता है। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डैमेज पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिवेंशन एंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दैट इज योर आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। समय हम विषय से नहीं भटकना चाहते, फिर भी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। अगर आपका वेलनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछेंगे, उसके बाद मैं उषा जी के पास जाऊंगा, उसके बाद दिनेश जी के पास जाऊंगा। और कोई हाथ उठाएंगे तो उठाएं फटाफट, ये ना कहें कि मैंने क्वेश्चन नहीं लिया। मैंने आपको पूछा है अनम्यूट के लिए, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी भी सानिया। सर मेरा यही क्वेश्चन है कि आपने कहा है कि हम कैसे सबकॉन्शियस माइंड को काबू कर सकते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड को काबू क्या हम शुरू में कर सकते हैं, मिड में नहीं कर सकते या लास्ट में नहीं कर सकते? चीज तो एक ही है, काबू शुरू में करें, मिड में करें या लास्ट में करें। हाँ बिल्कुल राइट क्वेश्चन। इसका आंसर देता हूं मैं आपको। आप किसी भी मोमेंट पे आपकी बॉडी में जो आर्टरीज हैं उसकी ब्लॉकेज रुकना बंद कर सकते हो। बट जो ब्लॉकेज हो चुकी है उसके लिए आपको या तो एंजियोप्लास्टी करानी पड़ेगी या खूब सारी दवाइयां खानी पड़ेंगी और या फिर अपनी हार्ट सर्जरी बाईपास करानी पड़ेगी। आगे ब्लॉकेज ना हो वो पॉसिबल है, जो पीछे ब्लॉकेज हो चुकी है उसके लिए दवाई लेनी पड़ेगी। दैट्स माई आंसर टू योर क्वेश्चन। आपका सबकॉन्शियस माइंड की पावर आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने ये नहीं कहा शुरू और आखिर में, कभी भी यूज कर सकते हो। बट जो डैमेज हो चुका है उसके लिए दवाई खानी पड़ेगी। और आपका अगेन क्वेश्चन सबकॉन्शियस माइंड एनालिसिस से रिलेटेड था। उषा जी आपका क्वेश्चन लूंगा इमीडिएटली। उषा, उषा जी के बाद दिनेश जी। उषा बताइए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन रेलेवेंट होना चाहिए। हाँ जी सर, I missed the first part, but I would like to say that I had a very bad relationship with my husband. एंड उसको मैंने पैचअप किया, आई टुक इन ऑल एफर्ट्स एंड पैचअप किया। बट अभी भी ऐसा है कि एज लॉन्ग एज वी आर स्टेइंग अपार्ट द रिलेशन इज गुड, बट सामने आमने सामने आ जाते हैं तो रिलेशन खराब हो जाती है क्योंकि he doesn't want to listen to anything। उसको मैं कैसे ठीक करूं? उसको ठीक करने का बिल्कुल अच्छा तरीका है कि आप कभी भी ये ना बोलें कि मेरे हस्बैंड और मेरे रिलेशन बहुत खराब है। हमेशा बोले मेरे हस्बैंड और मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। जब पड़ोसी से बात हो तो भी यही बात करें, सबको यही बात करें, तो सब लोग ईर्ष्या के मारे ये वाइब्रेशंस भेजनी शुरू करेंगे। ओ माय गॉड, इसके और इसके हस्बैंड के रिलेशन आज भी 30 साल की मैरिज के बाद इतने अच्छे क्यों हैं? और जब सबकी वाइब्रेशंस आनी शुरू होगी और आप भी वाइब्रेशंस भेजोगे तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। ये सिंपल कहने में लगता है, करने में नहीं लगता। जो भी चीजें मैं यहाँ पे बोलता हूं उनसे गुजर चुका हूं। कोई ये कहे कि तुम्हें क्या मालूम मेरा दर्द क्या है, भाई साहब आपसे ज्यादा दर्द सहा है, इसीलिए यहाँ पे बोल रहा हूं, इसीलिए मेरे शब्द मेरे अपने लगते हैं क्योंकि मैंने ये जिंदगी जी है। ठीक है, तो उसके लिए एनएलएस एक बहुत बढ़िया अप्रोच हो सकती है। उसके लिए मैडम का सब्जेक्ट है, वो आपको बताएंगे। मेडिटेशन अभी बहुत बढ़िया कराने वाली है मैडम, आपको वो कराएंगी, तो उनको आप ध्यान से देखिएगा। ईशा, आपका एक क्वेश्चन था, आपने हाथ उठाया था, क्विकली पूछेंगे फटाफट, हमारे पास 6 मिनट 7 मिनट बच गए अभी 40 होने में। दिनेश सर आपके पास आ रहा हूं, 2 शेर तैयार रखिएगा बहुत बढ़िया वाले। यस ईशा, आस्क, यू रेज्ड योर हैंड, समबडी एल्स वांट्स टू आस्क समथिंग। ईशा आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो। ईशा सिंह, ओके ओके। पूर्वी आपका कुछ है, आपने हाथ उठाया था, कौन है हाथ उठाइए। और सानिया, अब मैं आपका क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा बेटा, प्लीज सॉरी, कल आपके पूरे क्वेश्चन लिए जाएंगे एनालिस्ट में, अब नहीं ले पाऊंगा। देखिए भाई, आपने 70 पे 70 कितने लोगों ने देखी है, फटाफट हाथ खड़ा करो। बच्चन साहब आते हैं बड़े स्टाइल से। आपको सुनीता क्वेश्चन पूछना है कि 70 पे 70 देखी थी। अच्छा पूर्वी क्वेश्चन पूछना है, पूर्वी यू वांट टू आस्क क्वेश्चन। पूर्वी गायब होगी, आपकी तो शक्ल ही गायब होगी मेरी स्क्रीन से। पूर्वी ओके, क्वेश्चन पूछना ये लीजिए पूछिए, उसके बाद में यस यस मैंने म्यूट किया। अरे नहीं, 70 पे 70 देखा है। ओके ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन हाथ उठाओ। चलिए ठीक है, अब मेरा कर्सर आ चुका है दिनेश जी के ऊपर, और एक लाइन बताऊंगा आपको। 70 पे 70 फिल्म में हेमा मालिनी से शादी करके लेके जाते हैं वो, और उसके 7 भाई होते हैं, और हेमा मालिनी पूरी सफाई करके पूरा अच्छा खाना बनाती है, और खाना टेबल पे प्रस्तुत कर दिया जाता है। प्रस्तुत करने के बाद बच्चन साहब एक प्लेट उठाते हैं और उसमें खाना डालते हैं, और वो अपने भाइयों को दे देते हैं, और बाकी खाना, ऐसा सा कुछ सीन था ना उसमें। या वो क्या करते हैं, प्लेट उठाते हैं, खाना डालते हैं और खाने लग जाते हैं, ऐसा सा सीन था। कहने का मतलब ये है कि जब उसके भाई लोग खाना बनाते थे तो सीन आता था, वो एक प्लेट में भाइयों को दे देता था, बाकी खुद खा लेता था, ऐसा होता था। तो अब अगले सारे जो मिनट हैं वो दिनेश जी के पास चले जाएंगे, इसलिए मैं पूछ रहा था किसी का क्वेश्चन है तो। दिनेश जी आप अनम्यूट हो चुके हैं, प्लीज आपका क्वेश्चन भी था, और आपके पास 5 मिनट है। अनुराग जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका धन्यवाद इसलिए कर रहा हूँ कि आपने मेरे को टाइम दिया उस वक्त, और मेरे साथ ही कैप लगा दी ऊपर 2 मिनट या 3 मिनट या 4 मिनट, क्योंकि आपने सारा टाइम तो हमें कहा था 9:15 पे आपको क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आपने 9:25 के बाद क्वेश्चंस लेने शुरू किए। बट एनीवे, वो आपका आदत है भी, आप तो बोलते हैं तो आपको रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि मैं आपको अनम्यूट नहीं कर सकता या म्यूट नहीं कर सकता। पहली चीज तो ये है भी 101 जो है वो आपने जो कहा है वो मैं उसको पूरी तरीके से अपने सार्थक समझता हूँ और अपने आप में करता भी हूँ, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मैं और मेरी वाइफ, मैंने 101 रिलेशनशिप करता हूँ, मैं कहता हूँ, वो कहती कोई भी गुस्सा हो जाए तो मैं उसके हाथ पैर जोड़ता हूँ, और अल्टीमेटली फिर मेरे को ये कहना पड़ता भी, अगर यार तू नाराज बड़ी है तो एक काम कर, मेरी दाल में आज मिर्च डाल देना। तो मैं मिर्च नहीं खा सकता, तो तेरा भी काम हो गया मेरा भी हो गया। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है भी 101 में क्या मेरी तरफ से ही सिर्फ 101 है या उधर से भी कुछ, उसको भी पता होना चाहिए। मैं एक बार जा रहा था तो एक कुत्ता बहुत भौंक रहा था, बंधा हुआ था, तो मैं डर के थोड़ा पीछे हटा, तो मेरा एक दोस्त बोला भी तुमने पढ़ा नहीं है, जो भौंकने वाले कुत्ते हैं वो काटते नहीं है। तो मेरा जवाब ये था भी मैंने तो पढ़ा है, तुमने भी पढ़ा है, पर लेकिन कुत्ते ने तो नहीं पढ़ा ना। तो ये एक सिचुएशन ऐसी आती है भी जब मैं अगर ट्राई करता हूँ। एक अहमद फराज का एक शेर है, आपने कहा था शेर सुनाने के लिए, तो अहमद फराज का एक बड़ा एप्ट शेर है, उस शेर को सुनाने के लिए मुझे उसका मतला जो पहला शेर है वो जरूर सुनाना पड़ेगा। बस सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मिरासम थे कि आते जाते। और जो शेर सुनाने लगा हूं मैं आपको, उसके लिए मैंने कहा है कि उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था, उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते हैं। अब ये 101 में क्या सारी ओनस मेरे पे ही है? मैं अगले आदमी से कुछ नहीं पूछ सकता या अगले आदमी की कोई कंट्रीब्यूशन भी है? और अगर मैं बहुत बिछ भी जाता हूँ, माफी भी मांगता हूँ, तो आगे से कह देता है या कह देती है भाई जा परे, पंजाबी में फिरे मुँह कह के भैया मेरे आगे से बात मत करना। भाई ये करके मैं कितनी देर तक, उसके एक लिमिट कितनी देर तक होनी चाहिए और कहाँ तक होनी चाहिए? और मेरा लेवल ऑफ पेशेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन एक स्टेज पे जाके हो सकता है मेरा लेवल, मेरे को किसी ने लेटर से, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूँ, मैं 5 करोड़ तक रिश्वत कोई दे तो मैं कभी नहीं लूंगा, लेकिन 6 करोड़ किसी ने ऑफर ही नहीं किया तो मैं टेस्ट तो 5 करोड़ तक ही हुआ ना। तो वो जो चीज है मैं वहां तक गुस्सा नहीं करूंगा, एक लेवल तक मैं उसको 1 to 1 में, 101 जो आप कहते हैं, आपका वर्ड जो है 1 on 1 जो आप लेते हैं, एक लेवल तक तो मैं 1 on 1 करे। अल्टीमेटली फिर मैं फिर वो होते ना भी, जब नहीं होता तो फिर जा, फिर जो करना करना, ऐसा ही करना पड़ेगा ना। तो वो लिमिट कहाँ तक है, उसकी लिमिट की मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दिस इज माई क्वेश्चन। आपका जो क्वेश्चन है दिनेश जी बहुत ही उम्दा है, इसमें कुछ इम्प्रोवाइज करना चाहूंगा जो मुझे बताना चाहिए था, बाय चांस फ्लो में नहीं बता पाया। ये इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया। 1 on 1 रिलेशन की लिमिट्स कहां तक है? 1 on 1 की रिलेशन की जो लिमिट्स हैं, जब 2 लोगों की आपस में लड़ाई हुई है या कुछ मनमुटाव हुआ है, उस मनमुटाव को वो तीसरे तक ना ले जाए, ना डिस्कस करें, तीसरे को इन्वॉल्व ना करें उसमें, खुद के झगड़े आपस में हुए हुए खुद निपटाए। बट ये रिलेशन 1 on 1 ये नहीं कहता कि इनके बीच में जो अच्छी चीजें हुई हैं वो इससे शेयर ना करें। मां के बारे में एक बेटा दूसरे भाई से बहुत अच्छे से बात करे, जो उन्होंने की खूबियां हैं उनकी खूबियों के बारे में बात कर सकते हैं, उनके और उनके जो लड़ाई हुई है उसके बारे में बात ना करें। दूसरी चीज, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि रिलेशन 1 on 1 दूसरे को भी तो आना चाहिए, तो यहां पे सिर्फ आप खुद के ऊपर काम कर सकते हो रिलेशन 1 on 1 में, दूसरे के ऊपर नहीं। दूसरे को समझा सकते हो कि देखो तुम्हारे और मेरे बीच की बात है, या बाहर नहीं जानी चाहिए, मेरी गारंटी है मेरे पास से नहीं जाएगी, मेरी गारंटी है मेरे पास से तो ये कहीं नहीं जाएगी। और अगर इसने, इसको, आप दोनों की लड़ाई हुई और इस आदमी ने, आपने कुछ नहीं बोला और इसने आपके बेटे को, जो बाहर रहते हैं, आप दोनों की लड़ाई हुई और मां ने बेटे को फोन करके बता दिया कुछ भी, बेटा आपसे पूछता है तो बेटे से आपने कहना नहीं हमारी तो ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई, कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि मैं तो उसको बड़ा प्रेज करता हूं, सुबह से शाम तक इतना मुझे वो करती है। यानी कि अगर तीसरा व्यक्ति कोई आपसे पूछ रहा है उस लड़ाई के बारे में और उसकी बुराई करता है, तो आपने उसकी अच्छाई करनी है, बुराई नहीं करनी। उसको वहां पे पैच अप कर देना अपने आप से, सो दैट ये सोचे यार वो क्या कह रहे थे, ये क्या कह रहा है, वो तो बुराई कर रही थी उनकी और वो बड़ाई कर रहा बंदा उसकी। तो यहाँ पे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ से कंट्रोल करने का काम दूसरे का ही है। यहाँ पे 2 सिचुएशन आती हैं, एक एरिया बियॉन्ड कंट्रोल, एक एरिया ऑफ कंट्रोल। बी इन सॉल्यूशन मोड, ऑलवेज बी हैप्पी। एंड अगर एरिया ऑफ कंट्रोल है तो वही आप यूज करेंगे, बियॉन्ड कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, दूसरे का जो थॉट प्रोसेस है वो आपके हाथ में नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड दूसरे के थॉट प्रोसेस को एक टाइम के बाद चेंज करता है, एनएलएस किसी की वाइब्रेशंस को एक टाइम के बाद चेंज करती है, एकदम से चेंज नहीं करेगी। तो दूसरे का जो थॉट प्रोसेस है वो आपके हाथ में नहीं है, आपका थॉट प्रोसेस। आप अगर दोनों ही एक जैसे हो गए तो झगड़ा बहुत ज्यादा होगा और बहुत बड़े लेवल पे जाएगा। मगर अगर एक आदमी रिलेशन 1 on 1 यूज करेगा, देयर आर 2 सिचुएशंस। एक सिचुएशन ये है कि दोनों लोग ही रिलेशन 1 on 1 यूज नहीं करते और दोनों ही लोग एक दूसरे को बताते फिरते हैं, तो झगड़ा कई गुना हो जाएगा। बट अगर इसमें एक आदमी रिलेशन 1 on 1 को यूज करता है तो वो जो रिश्ते हैं वो कम से कम 20% रह जाएंगे, और दोनों अगर यूज करेंगे झगड़ा तो वो 100% पे पहुंच जाएगा। यानी कि जो डैमेज है वो 5 टाइम्स कम हो जाएगा अगर दोनों में से एक भी रिलेशन 1 on 1 को यूज करता है। और अगर दोनों रिलेशन 1 on 1 को यूज करेंगे तो फिर तो बात ही क्या, फिर डैमेज होगा ही नहीं। सो दैट आई वांट टू से, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई मैंने पढ़ा है कि काटेगा नहीं सिर्फ भौंकेगा। तूने पढ़ा सुना है, उस कुत्ते को थोड़ी पता है, वो तो भौंकेगा भी और काटेगा भी। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट सर एंड आई रियली अग्री विद यू। बट रिलेशन वन ऑन वन अपने रिश्तों को बचाने का एक तरीका है। जब आप इस्तेमाल करेंगे तो दूसरे भी इस्तेमाल करेंगे। मैं और मेरे रियल ब्रदर, हम दोनों रिलेशन वन ऑन वन को इस्तेमाल करते हैं। तो अब एक फैमिली में जब दो लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो वो हमारी बहनों तक भी कम्युनिकेट होता है कि ये दोनों लोग रिलेशन वन ऑन वन को यूज करते हैं। फिर वो भी कहीं ना कहीं यूज करना शुरू करेंगे तो वो जो परिवार में हार्मनी है वो बनी रहेगी। एक आदमी यूज करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा और वो रिश्ते बहुत अच्छे से बने रहेंगे। रिलेशन वन ऑन वन का मतलब ये कतई नहीं है कि आप और आपकी मिसेज अगर दोनों साथ में रहते हैं तो बेटी का अगर फोन आता है बाहर से, यूरोप से बेटे का फोन आता है कहीं बाहर से, तो आपकी वाइफ आपके बारे में उनसे बात नहीं करेंगी, करेंगी बट जो नोकझोंक हुई है उसके बारे में बात नहीं करेंगी। नोकझोंक हो भी गई तो हल्की सी बात कर लेंगी बट चुगलीबाजी नहीं होगी। अगर बात करनी है तो फिर दोनों के बारे में बात करनी है कि गलती मेरी थी, मैंने ऐसे किया, दिस वॉज माई फॉल्ट। और अगर बेटा फिर आपको फोन करता है और मां ने बता दिया तो आप उसको बड़े अच्छे से टेक ओवर कर सकते हैं। बॉल आई, ऑफ साइड से थोड़ी सी बाहर थी, शॉट मारने की जरूरत नहीं है, हल्का सा लेट कट करना है, 4 रन बाउंड्री पे मिलेंगे। कैसे? बेटे से कहूं कि यार पुत्र की दसा तनु, अभी ना मैं सठिया गया हूं यार, 72 साल की उम्र हो गई है, मैं ही गलती करते रहता हूं यार, तेरी मां तो बहुत अच्छी है, आपने फिर बचा लिया, फिर लेट कट मार दिया वहां पे। कहने का मतलब अगर रिश्ते वन ऑन वन यूज करेंगे तो बहुत मजा आएगा। और ये आज का एक सेशन था रिलेशन वन ऑन वन का। 9:15 हो चुके हैं। एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज आपको कराई जाएगी। दिल तो कर रहा है कि मैं ही करा दूं बट मैं अब बोल चुका हूं मैडम को, और मैडम अब इस टाइम बिल्कुल समझ लो कि डंडा लेके बैठी हुई हैं और वो कह रही हैं कि कुर्सी से खड़ा हो जाए, 6 मिनट ज्यादा लगा चुका है, थोड़ा सा मुझे भी बोलने दे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। कुछ डायरी डेट्स हैं वो बताना चाहूंगा। नेक्स्ट संडे को जो लोग ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं उनके लिए 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक नन अदर देन अनुराग सूर्यवंशी विल बी टॉकिंग टू दोज पीपल हु रियली वांट टू एक्सप्लोर ट्रेनिंग इंडस्ट्री एंड टू एस्टैब्लिश देमसेल्फ इन ट्रेनिंग रिगार्डलेस ऑफ यू आर माय स्टूडेंट और नॉट। आपने किसी कोर्स में एनरोल किया है या नहीं, रिगार्डलेस ऑफ दैट आप उस वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हैं। 2.5 घंटे की वर्कशॉप है। वेबिनार प्लेटफॉर्म पे नहीं है, वेबिनार नहीं है, जूम प्लेटफॉर्म पे है, जूम मीटिंग है। कोई भी किसी तरह का फ्यूचर का प्रोडक्ट उसमें प्रमोट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग इंडस्ट्री के लिए 150 मिनट में आपसे बात करने वाला हूं रूबरू होके। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई पर्सनल इश्यूज हैं, पर्सनल सेशन चाहिए, वो भी आप फिक्स करा सकते हो। कल से हमारा एक बहुत बेहतरीन जर्नी स्टार्ट हो रहा है 14 महीने का। उसके लिए अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड है तो वो हमारे नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं। विद दैट मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों ने मुझे बहुत सब्र के साथ सुना। सानिया जी, एक बार दोबारा से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, मैं आपके सारे क्वेश्चन नहीं ले पाया समय के चलते, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन थे वो एनालिसिस से रिलेटेड थे। एनालिसिस में इस्तेमाल जरूर करता हूं पर मैं मंच पे आकर पढ़ाता नहीं हूं। सो इसके लिए मुझे आपसे क्षमा है कि मैं आपके सारे क्वेश्चन नहीं ले पाया। समय की यहाँ पे थोड़ी सी हमारे पास दिक्कत रहती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव सेशंस नहीं होते, इसमें कुछ ना कुछ देना होता है। नेक्स्ट जो मिरेकुलस मंडे का सेशन होगा वो भी रिलेशन वन ऑन वन पे होगा, वो रिलेशन वन ऑन वन पार्ट 2 होगा। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी अगले हफ्ते में आपको आएंगे, उन सभी प्रश्नों के जवाब आपको रिलेशन वन ऑन वन पार्ट 2 में नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे। इस बीच में अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो वो आप हमें व्हाट्सएप पे या गूगल फॉर्म पे डाल सकते हैं। Thank you so much, guys. God bless you. Keep growing in your life with your right thought process, with the right karma, right action, and with the right perception of your life. Bye-bye. Take care. Madam will join within 15 seconds. वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। चलिए, बहुत बढ़िया। कैसे हैं सब लोग? आधे से ज्यादा स्क्रीन के कैमरे तो बंद हो चुके हैं. चलिए कोई बात नहीं, जितने लोग हैं उतने काफी हैं. सो अभी मैं एक चीज देख रही थी कि ब्रेन कैसे काम करता है. मैं जो बार बार हर संडे लगभग पिछले 5 महीनों से हर संडे ऑलमोस्ट या मंथ में लगभग 2 संडे मैं ये फिल्टर बताती रहती हूँ, डिलीट डिस्टॉर्ट जनरलाइज, डिलीट डिस्टॉर्ट जनरलाइज. और अब तक तो बहुत सारे लोगों को याद भी हो चुका होगा. तो मैं बड़े अच्छे से ऑब्जर्व कर रही थी कि सर क्या बता रहे हैं और कौन क्या क्या डिलीट कर रहा है और कौन क्या क्या डिस्टॉर्ट कर रहा है. हुआ कुछ ऐसा कि सर इस ट्रैक पे थे, कुछ लोग इस ट्रैक पर इधर फिसल गए, कुछ लोग यहां से इधर फिसल गए. और मैं ये बहुत देर से देख रही थी और मेरा मन था कि मैं बीच में एक बार जंप करूं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है नहीं. सो अभी सर ने एक चीज कही कि रिलेशन 1-on-1 सबसे पहले तो, और मैं यहीं पर थी और मैं बहुत अच्छे से सर को सुनती हूँ क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते. ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में भी उन्होंने बहुत कुछ मुझे सिखाया है, या ये कह लें कि उनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा है. तो मैं बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती हूँ उनकी बातों को, और मुझे वहां पर ये कहीं भी नहीं लगा कि सर ने ये कहा जो चीज बिगड़ गई उसे आप ठीक नहीं कर सकते. जब बतूल का क्वेश्चन था, मैं इसको थोड़ा सा अपने तरीके से समझाना चाहती हूँ, क्योंकि जो दूसरा इंसान देख पाता है 2 लोगों के बीच की कन्वर्सेशन को, वो शायद उस वक्त जो इन्वॉल्व है वो कहीं ना कहीं नहीं देख पाता. तो वहां पर बतूल ने पूछा कि जो पास्ट में हो चुका है उसको कैसे ठीक किया जाए. तो सर ने बहुत अच्छा तरीका बता दिया कि जहां गुंजाइश है सामने जाके सिचुएशन को फेस करो और माफी मांग लो. इसका ये मतलब कहीं नहीं था कि अब वो रिश्ता ठीक नहीं हो सकता, कहीं पर भी नहीं था. उन्होंने तो बल्कि इस चीज को उल्टा बोला कि ये ठीक हो जाएगा. उन्होंने एक और बेहतरीन तरीका बताया, जहां रिश्ते में गुंजाइश है कि सामने जाकर कन्फ्रंट करो और उसको और एक बेटर नोट पर ले आओ. अपने सबकॉन्शियस ब्रेन की वाइब्स और ये सब तो काम करती ही हैं. ये तो शुरू के दिन से अब तक यही बात चल रही है कि ये तो काम करती ही हैं, 100% काम करती हैं. वो हीलिंग तो होगी ही होगी, लेकिन जब ये कन्फ्रंट जाके आप एकदम से कर लेंगे ना तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होगा. उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि अगर आपका अंदर से मन नहीं है मानने का तो भी आप जाके कन्फ्रंट करो. नहीं, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, फिर वो दिखावा है. सेकंड थिंग, रिलेशन 1-on-1 का मतलब यही था कि मेरी और आपकी बात है तो जितना मर्जी झगड़ेंगे लेकिन झगड़ा हमारे बीच रहेगा. चाहे मैं आपसे माफी मांगू या ना मांगू लेकिन झगड़ा रहेगा मेरे तुम्हारे बीच. कुछ इस तरह का ये रिलेशन 1-on-1 का कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छा है. मेरी और मेरी सिस्टर की लाख लड़ाई हो जाए, ना मैं अपनी मदर से बात करूं उस बारे में, ना अपने फादर से, ना अपने ब्रदर से, जो भी है हमारे बीच सॉर्ट हो जाए. कोई तीसरा आके पूछे भी उनमें से क्या हुआ आजकल बात नहीं कर रहे हो, अरे कुछ नहीं थोड़ा बहुत है, हो जाएगा, इट्स ओके, फाइन. आप उस चीज को जब वहां पर तूल ही नहीं देंगे तो कोई दूसरा भी उसको छोड़ना स्टार्ट कर देगा. उस रिश्ते को वाइब्रेशन जो खराब मिलने वाली थी वो मिलनी बंद हो जाएंगी. उल्टा ये मैसेज जाएगा ये दोनों बहुत समझदार हैं, आपस में अपना रिश्ता रिजॉल्व कर लेना चाहते हैं. अब सवाल यह है कि सामने वाला रिलेशन 1-on-1 फॉलो करता है कि नहीं करता, राइट? हम हमेशा इस चक्कर में रह जाते हैं कि मेरा रिश्ता तब ठीक होगा जब वो ऐसा करेगा. मैं तो कर लूं लेकिन वो नहीं करेगा तो मैं क्या करूं? तो मैं यही कहना चाहती हूं, आप शुरुआत तो कीजिए, आप अपना 50% तो दीजिए. 50 कदम चल के आप तो आइए, बाकी रह जाएंगे उसी के 50. जब आप 50 कदम आगे आ जाएंगे तो सामने वाला भी 10 कदम चलने की हिम्मत तो जुटा लेगा. इट मीन्स रिफ्लेक्शन. आपका सबकॉन्शियस माइंड जो सुनता है उसकी बजाय जो देखता है उसको जरूर करता है. हम देखकर ज्यादा सीखते हैं. आप वो नहीं करते जो बचपन से माँ बाप से सुना है, आप वो करते हैं जो आपने अपने माँ बाप को करते हुए देखा है। मैं बार बार कहती हूं, आपके आसपास रहने वाले लोगों का आप पर इम्पैक्ट और आपका उन पर इम्पैक्ट जरूर होता है। ये हैबिट्स भी और एक्शंस भी हम हमेशा एक्सचेंज करते हैं। तो मेरे ख्याल से कि थोड़ा सा जो है कुछ चीजें कहीं से उड़ गई, डिलीट हो गई, जो पकड़ना भूल गए, और अगेन जो माइंड में कोई ना कोई इश्यू चैलेंज चल रहा है, सिर्फ उसी को पकड़ा और उसी पर फोकस था, इसलिए क्वेश्चन भी वहीं से निकला और वहीं पर घूमता रह गया अगेन। सो बात यह है कि ठीक तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन जितने ज्यादा टूल्स आप मर्ज कर देंगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। जरा सोच के देखिए, आपको गलती रियलाइज हुई लेकिन आप सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, तो ठीक है ना, यहीं से माफी मांग लो। थोड़ा सा सामने वाला उन वाइब्रेशन से थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। हो सकता है 4 दिन बाद आपको लगे डेली तो मांग रहे हैं ना यहाँ पे बैठ के भी, चलो कन्फ्रंट भी कर लेते हैं, वो हिम्मत आ जाएगी आपके अंदर। सबकॉन्शियस सीख जाएगा कि इस सिचुएशन को जाके फेस कैसे करते हैं। या तो प्रैक्टिकली चीजों को करके सीख लो या अपने माइंड में उसे रिपीट करके उसे अपना पैटर्न बना दो। जब यहां 50 बार कर लोगे तो सामने जाके कन्फ्रंट करने की हिम्मत भी आ जाएगी। आज ये बोलने में तकलीफ हो जाती है, माँ बाप के सामने जाके ये बोलने में बड़ा लगता है कि कैसे जाके बोलूं कि आपने बहुत कुछ दिया है हमें लाइफ में, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ, कैसे करूं, होता नहीं है मुझसे। तो ठीक है, एक काम कीजिए, यहां करना स्टार्ट कीजिए, बाहर होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो सामने आएंगे ना उस सिचुएशन में, अपने आप निकलेगा, किसी ना किसी दिन अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा। यहां करके तो देखिए। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने शेयर किया था कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया ब्रेन से रिलेटेड। 2 ग्रुप थे, 2 ग्रुप्स पर यह एक्सपेरिमेंट किया गया, जहां कुछ लोगों को कहा गया कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में पियानो की कीज को चलाने के लिए प्रैक्टिस कीजिए। 3 महीने तक उन लोगों ने ये किया, और दूसरी तरफ एक ग्रुप और था जहां पर उन लोगों ने फिजिकली डेली प्रैक्टिस की थी। बिफोर एंड आफ्टर की उनके माइंड की स्थिति ये थी कि दोनों ग्रुप के रिजल्ट सेम थे ऑलमोस्ट। यानी जो फिजिकली किया उस प्रैक्टिस से जो यहां इंपैक्ट पड़ा वो भी सेम था, जो स्किल डेवलप हुई वो भी वही थी, और जो उन्होंने फिजिकली प्रैक्टिस करके किया वो भी सेम थी। इट मींस हमारा जो माइंड, जो ब्रेन यहां का देख सकता है, सुन सकता है, फील कर सकता है, उसको वो हकीकत में हमेशा जैसे ही सेम सिचुएशन क्रिएट होगी उसको एज इट इज एग्जीक्यूट कर देता है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड। आपके माइंड की कितनी प्रोग्रामिंग की जाती है। जिस घर में पेरेंट्स सुबह 7 बजे तक उठ जाते हैं, उससे पहले पहले उठ जाते हैं, उस घर के बच्चे भी लेट नहीं सोते, राइट? लेकिन जिस घर में ये ट्रेंड है कि नहीं कोई किसी भी समय उठ सकता है, तो उस घर के बच्चे शायद जल्दी नहीं उठ पाएंगे। यानी हमारा माइंड हमेशा रिफ्लेक्शन को क्रिएट करता है, जो सामने है उसे देखेगा और करेगा। एक 2 साल का बच्चा, आप फोन पे उसके सामने टहलते हुए बात कीजिए, 10 मिनट बाद वो आपको हाथ ऐसे रख के आपके पीछे घूमता नजर आएगा, और आप उसको कहो कि बेटा इसको लेके ऐसे ऐसे घूमो, आप 10 बार उसे कहो वो नहीं करेगा, लेकिन आप उसको करना स्टार्ट कर दो, वो करना शुरू कर देगा। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो देखता है और पूरे सीन को क्रिएट करता है, उसे फील कर लेता है, उसी को पैटर्न बनाता है। दिस इज ऑल अबाउट योर सबकॉन्शियस पैटर्न्स। सामने वाला अगर फॉलो नहीं भी करेगा तो आप अपनी तरफ से तो सही हैं, लेकिन अगर आप भी वही करेंगे तो क्या रिजल्ट आ रहे हैं? आप कहेंगे उसने जाके सामने बता दिया, मैं भी बताऊं, तो ठीक है, उसने जाके बता दिया, आधा रिलेशन गया, आप भी कर दीजिए, तो दोनों तरफ झगड़ा, दुनिया देखेगी तमाशा, कुछ और नहीं होने वाला। आपके बीच की बात, होता क्या है जब 2 लोगों के बीच बात होती है, एक ने बाहर निकाली और दूसरा उसको ढकना शुरू कर दे, तो कहीं ना कहीं चीजें वहां पर रुक जाती हैं और सामने वाले को लगता है कि मैं मुझसे शायद गलती हो गई। वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो तो हमेशा मेरी ही तरफ बोलते हैं, हमेशा वो तो हमेशा मेरा ही पक्ष लेकर इस रिश्ते की मर्यादा को बना के रखते हैं, इसकी ब्यूटी को क्रिएट करके रखते हैं। और यहीं पर काम करती हैं आपकी वाइब्रेशंस, कि आप फेक इट टिल यू मेक इट को यूज कर रहे हैं, यानी जो नहीं है उसको भी बोल रहे हैं कि वो है, वो है। और आपका सबकॉन्शियस उसे लेना स्टार्ट कर देता है, और जब उसे सबकॉन्शियस मानना शुरू कर देता है तो आपके एक्शंस इस तरह से चेंज होते हैं कि आपके रिलेशंस बेटर होने शुरू हो जाते हैं। यहां पर जैसे एनर्जी वर्क करती है उस तरह से आपके काम करने के तरीके, आपकी ब्रेन की प्रोग्रामिंग और आपका लोगों के साथ का कम्युनिकेशन बेटर हो जाता है। आप उन चीजों पर ध्यान देने लगते हैं जो अब तक शायद आपने नहीं दिया, जिन पर ध्यान, आपका फोकस नैरो हो जाता है, वो चीजों की बारीकी आप देखना शुरू करते हैं जिनको शायद अब तक आप नहीं देख पा रहे थे। और अगर आप बार बार आपकी सेल्फ टॉक ये है कि ये मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, मेरी सिस्टर मेरी बहुत केयर करती हैं, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, बार बार आप यही चीज बोलते हैं, तो याद रखिए ये चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि एक बात इस यूनिवर्स में हमेशा एक चीज काम करती है कि आप जो इस यूनिवर्स में देते हैं वो मल्टीपल टाइम आपकी तरफ वापस आता है, या फिर आप जो बोलते हैं आपका माइंड उसके हिसाब से प्रोग्राम हो जाता है और आपके एक्शंस में वो चेंज आ जाता है। आप किसी भी तरह से कर लीजिए, दोनों तरफ से रिजल्ट वही निकलने वाला है, क्योंकि दोनों चीजें सेम हैं, एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं। आप किसी भी तरफ से जाएंगे वहीं पहुंचेंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि ना पहुंचे, तो दोनों ही तरफ से सेम चीज है। यहां पे मैंने ऑब्जर्व किया कि चीजें कुछ डिफरेंट बताई गई लेकिन शायद कुछ डिफरेंट तरीके से परसीव हो गई। यही तो मैं बताती हूं कि जो E2 है, ये इवेंट 2 है, ये डिफरेंट बन जाता है, अपने हिसाब से चीजों में काट छांट हो जाती है, इसमें किसी का दोष नहीं है। यहां पर हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से और हमारे आसपास के माहौल के हिसाब से हम किसी भी चीज में से सिर्फ वो चीज एक्सेप्ट करते हैं जिसको हमारा माइंड अलाउ करता है। उस लेवल तक की अवेयरनेस तभी आती है जब इस माइंड के अंदर जो स्टेट है वो सही रहती है। इसलिए आपकी स्टेट का सही रहना कितना इंपॉर्टेंट है। जस्ट गिव मी अ मिनट। चले, कुछ ऐसा हुआ कि मुझे आना पड़ा है। एवरीथिंग इज फाइन, डोंट वरी। सो एक्चुअली वो होता है ना, डेस्टाइंड होता है। आज लग रहा था कि मेडिटेशन मैं ही करने वाला हूँ। चले स्ट्रेट अवे मेडिटेशन करते हैं। जिन लोगों को मैं देख पा रहा हूं उनका तो ठीक है, जिनको मैं देख नहीं पा रहा हूं वैसे तो नॉर्मल सा मेडिटेशन होगा। अच्छा, कितने लोग हैं जो यात्रा पर जाना चाहते हैं भविष्य की? कितने लोगों को इंटरेस्ट है अपना भविष्य देखने का? भविष्य देखने का इंटरेस्ट है? आओ आज आप लोगों को भविष्य दिखाते हैं। सब लोग बड़े शांत माहौल से बैठेंगे और बहुत ही कोमलता से अपनी आंखों को बंद करेंगे। जो लोग किसी भी प्रकार की एंजाइटी में हैं, वो लोग चंद्र भेदन करेंगे। चंद्र भेदन एक बड़ी सिंपल सी टेक्निक होती है। बाईं साइड से श्वास भरेंगे और दाईं साइड से छोड़ेंगे। सर्दी का मौसम है, जिनको सर्दी लगे वो ये ना करें। ज्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ 3 से 4 बार करेंगे। बहुत ही रिलैक्स करेंगे, बहुत आराम से करेंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं भली भांति कि हम ये शरीर नहीं है, ये मैं अक्सर बोलता हूं और ये बात सच भी है। वी आर नॉट दिस बॉडी, एक्चुअली वी आर द डिवाइन पावर, इनविजिबल डिवाइन पावर। वो सूक्ष्म शरीर जो शरीर का मालिक है वो है हम लोग। तो बहुत प्यार से आंखें बंद करेंगे। आज भविष्य में जाके वापस आएंगे। भविष्य का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको आपका भविष्य दिखाऊंगा। जिंदगी में कभी ना कभी आपने कुछ ड्रीम्स, कुछ अपने गोल्स बनाए हैं, आज उनको जीने की कोशिश करेंगे बहुत प्यार से। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो आपके जहां से आप श्वास भरते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उस जगह पर जाकर सिंपल से बैठ जाएंगे। आपने अपनी बॉडी को बहुत प्यार से ऑब्जर्व करना है, सांसों को आते हुए देखना है और जाते हुए देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। कुछ बहुत ही बेहतरीन थॉट्स आएंगे, कुछ बहुत ही बेहतरीन थॉट्स जाएंगे, कुछ उलझुल थॉट्स आएंगे, कुछ उलझुल थॉट्स जाएंगे। सांसों को आने देना है, जाने देना है, थॉट्स को आने देना है और जाने देना है। कभी भी किसी थॉट के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, उसको न्यूट्रल छोड़ दीजिए। बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो बच्चा अटेंशन पाने के लिए शरारतें करता है और फिर आप उस बच्चे को डांट कर बिठा देते हो। कुछ देर के बाद, कुछ पलों के बाद वो फिर से शरारत करता है। इसी प्रकार जो हमारा मन है वो भी इधर से उधर दौड़ता रहता है। दौड़ने दीजिए उसको, खुला छोड़ दीजिए। थॉट्स के ऊपर ध्यान देने का बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो लोग लेटकर इस मेडिटेशन को करना चाहते हैं कर सकते हैं। आनंद आप जरूर लेंगे, बट अगले कुछ मिनट्स, उसके बाद आप सो जाएंगे। ये मैं कोई कमांड नहीं दे रहा हूँ, ये हकीकत है। बैठ कर करेंगे तो प्राणायाम, इस मेडिटेशन में बहुत मजा आएगा। आपकी जो भी उम्र है, जिस भी डेट को आपका जन्म हुआ था, एग्जैक्ट डेट, डेट ऑफ बर्थ, जिस डेट को जन्म हुआ था, उस डेट से बिल्कुल 100 साल आगे जाएंगे। फ्यूचर में नहीं जाएंगे, उसको आज में देखेंगे। आज का मतलब समझते हैं आप, यानी कि वो सब चीजें आज हो रही हैं जो मैं आपको अब गाइड करूंगा। दिस इज गोइंग टू बी अ गाइडेड मेडिटेशन, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ लीडिंग मेडिटेशन। आई वुड नॉट गोइंग टू लीड यू, आई वुड लाइक टू गाइड यू। अगले लगभग 25 मिनट मैं आपको गाइड करूंगा, लीड नहीं करूंगा। वो जो डिवाइन पावर जो इस पूरे यूनिवर्स को चलाती है, मैं अक्सर कहता हूं, वो अद्भुत अविश्वसनीय शक्ति जो ना दिखाई देती है, ना कुछ बोल सकती है, ना जिसका कोई आकार है, बट वो बहुत ही बेहतरीन डिवाइन अनबिलीवेबल सुपरनेचुरल पावर जो इस यूनिवर्स को चलाती है, वो आज मेरे जरिए आपको आपका भविष्य दिखाएगी। आप आज अपना भविष्य जिएंगे, बेशक 25 मिनट के लिए सही, पर जिएंगे जरूर। और फिर इसको आप जब चाहे कर सकते हैं, जितनी देर तक चाहे कर सकते हैं। गुजारिश करूंगा आप लोगों से कि रात को सोने से पहले हर दूसरे या तीसरे दिन इस मेडिटेशन को करें, तो आप वाकई में 100 साल जिएंगे। आज बंद आंखों से जो उजरनी आप करने जा रहे हैं, कुछ दिनों के बाद आप खुली आंखों से करनी शुरू कर देंगे। ये बात बहुत सच है। जिस दिन आपका 100वां जन्मदिन आप मनाएंगे, जिस दिन आपका जन्म हुआ था और जब आप 100 वर्ष पूरे कर रहे हैं, उस दिन को विजुलाइज कीजिए। आपने अपने चेहरे पर वो पिंक कलर का नूर विजुलाइज करना है। और विजुलाइज किस लिए करना, ये तो अब आपकी आंखों के सामने हो रहा है। पूरे घर में इधर से उधर चहलकदमी मची हुई है और आप सोच रहे हैं कि ये दिन सबकी जिंदगी में आ सकता है अगर वो चाहें तो। और इत्तेफाक से आज आप उस दिन को जी रहे हैं। आपके जो बच्चे हैं उनके चेहरों को विजुलाइज करें। आपके बच्चे जब आप 100 साल के हो चुके हैं तो कितनी उनकी उम्र होगी। मानो ये मेरा बच्चा तो मात्र 45 साल की अवस्था का ही लगता है, वो और बात है कि इसकी उम्र का ये 72वां साल चल रहा है। देखें अपने बच्चों को, वो भी काम में बिजी हैं, क्योंकि आज जिस परिवार के आप मुखिया हैं उस परिवार में बहुत खुशी का माहौल है। 100 साल पूरे कर रहे हैं आप अपने जीवन के। इस तरह की एक्सरसाइज या मेडिटेशन आपने पहले जो किया था वो आपको किसी कोच ने कराया था, बट आज आपको उस मोमेंट्स की जर्नी ये डिवाइन पावर खुद करा रही है। देखना शुरू कीजिए अपने बच्चों के बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रंस को। उनकी भी उम्र कम तो नहीं, 40 से लेके और 50 साल तक के आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। कुछ थोड़े से छोटे भी हैं, 35-38 साल के। घर में मानो ऐसा माहौल है जैसे कोई शादी का माहौल होता है, और आपके पूरे परिवार में ही लगभग 150 लोगों का परिवार है। आफ्टर ऑल 100 साल पूरे किए हैं आज आपने। शाम को केक भी कटेगा। शाम की सेरेमनी के बारे में बाद में बात करेंगे। आओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो आपके कुछ ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस भी हैं, आपके पड़पोते और पड़पोतियाँ वो भी मौजूद हैं। उनकी भी उम्र लगभग 16 से और 30 साल के बीच की है। वो भी इस तैयारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि आज उनके ग्रेट ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडमदर का 100 साल कंप्लीट हो रहा है। इट्स अ ह्यूज सेरेमनी फॉर दोज पीपल। और उनमें से कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं है जिसके ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडमदर का 100वां जन्मदिन मनाया जा रहा हो और उसके सेलिब्रेशन के लिए कोई उनको बुलाए। और आप खुली आंखों से देख रहे हैं सब कुछ। फिर पिछले जमाने की कुछ यादें आपको घेर लेती हैं। कैसा समा था जब एक पैंडेमिक इस देश में आया था। मानो उस दिन जब वो मेडिटेशन किया था, थैंक गॉड कि उस मेडिटेशन में मैं बैठा था या बैठी थी, तो ये जो सीन आज मेरी आंखों के सामने चल रहा है, ये तो मैंने उसी दिन देख लिया था, आज से लगभग 60 साल, 40 साल, 50 साल या 30 साल पहले, जो भी आपकी उम्र हो। मुझे नहीं मालूम क्या आपकी उम्र है, लीड भी नहीं करूँगा। जिस माहौल में इस समय आप बैठे हैं, उस माहौल में जो जो चीज़ों को आप देख सकते हैं, जो आवाज़ें वहाँ हो रही हैं, उसको सुनने की कोशिश कीजिए। वहीं तो बैठे हैं आप, सुन रहे हैं उन आवाज़ों को। धीरे धीरे शाम का वक्त होना शुरू हो गया। आपने एक जो बहुत बड़ा ज़िंदगी का पर्पस बनाया था, एक बहुत बड़ा जो आपने एक ट्रस्ट बनाया था, एक एनजीओ मानो बनाया हो कभी, उस एनजीओ को जो ऑपरेट करते हैं जनरल मैनेजर, वो आए हैं आपके पास कुछ बात करने के लिए। आपने कहा बैठिए, वो बैठे। उन्होंने कहा ट्रस्ट से कुछ लोग आए हैं मिलने के लिए, शाम के लिए उनको इनविटेशन गया था। आप कहते हैं हाँ हाँ बुलाइए उनको। तो वो कहते हैं, उनमें से एक सज्जन है जो ये कहते हैं कि आज आपके इस सेरेमनी पे वो 2 शब्द कहेंगे। तो आप कहते हैं कहने दीजिए उनको, जो कहते हैं कहने दीजिए, उनको समय मिलेगा। आफ्टर ऑल आज ये बहुत बड़ी सेरेमनी है आपकी ज़िंदगी की, 100 साल कंप्लीट जो किए हैं आपने। धीरे धीरे ये सेरेमनी की शाम आगे बढ़ती है, केक की तैयारियां शुरू होती हैं, चारों तरफ खुशी का माहौल है। और आपको देखने से अभी भी नहीं लगता कि आज आप अपनी ज़िंदगी के 100 साल पूरे करने जा रहे हैं। चेहरे को देख के लगता है मानो कोई 70 साल का बुजुर्ग है। बट ये बात तो आप जानते हैं कि आप 70 के नहीं 100 पूरे कर रहे हैं आज। पर चेहरे का नूर बड़ा ज़बरदस्त है, चेहरा बिल्कुल पिंक कलर का नज़र आता है। क्यों? क्योंकि ये ज़िंदगी कमाई है, ऐसे काम किए हैं पिछले कुछ सालों में, जिसका ये रिज़ल्ट है कि आज भी आप उतने ही एक्टिव हैं जितना एक्टिव इंसान, एक हेल्दी इंसान 65 या 70 साल की उम्र में होता है। आज भी आप उतने ही एक्टिव हैं, देखने से तो लगता नहीं। तभी कानों में फुसफुसाहट आती है। और आपके जो ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, उनके जो कुछ दोस्त हैं, वो फुसफुसा रहे हैं, तुमने तो कहा था तुम्हारे ग्रेट ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड फादर का जन्मदिन है आज, वो आज 100 साल कंप्लीट कर रहे हैं। पर लगता है मानो आपने झूठ बोला, ये तो आपके ग्रैंड फादर या मदर लगते हैं। तो आपके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन कहते हैं नहीं, यही तो बात है इनकी, इन्होंने इतना ज़बरदस्त मेंटेन किया हुआ। और जानते हो 5 साल पहले तक तो ये खुद ही गाड़ी ड्राइव करके ट्रस्ट तक जाते थे, बहुत ज़बरदस्ती फादर ने बोला तो इन्होंने ड्राइवर को अपने साथ ले जाना शुरू किया है। ये एक्सेप्शन है। और आपके कानों में जब ये बातें पड़ती हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है और फिर से पुरानी यादों में आप चले जाते हैं। फिर से आपको माहौल याद आने लगता है। आज से कुछ साल पहला, कई दशकों पहला, जब 2020 में पूरे देश में महामारी फैली थी, पूरी दुनिया में महामारी फैली थी, और उस समय पर आपने ये विज़न लिया था कि आप एक बहुत बड़ा काम करेंगे। पर्पस लिया था आपने अपनी ज़िंदगी का। उम्र आज चाहे जो भी थी आपकी, उस समय आप बैठकर सोचते हैं, उस समय तो मेरी उम्र 70 के पार थी, पर फिर भी मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं 100 पूरे करूँगा, 100 पूरे करूँगी। उस समय तो मानो उम्र मेरी 60 के लगभग थी, पर मैंने उस समय डिसाइड किया था कि मैं एक बड़ा पर्पस जीऊँगी, मैं एक बहुत बड़ा पर्पस जीऊँगा। मानो उस समय तो उम्र ही क्या थी, मैं तो 30 साल की थी, बट उस दिन मैंने डिसाइड किया था। और फिर आपको याद आता है 21 दिसंबर 2020 का दिन। आप कहते हैं जो आज मैं जहां बैठा हूं, जहां बैठी हूं, ये जर्नी तो मैंने उसी दिन कर ली थी। कोई मेडिटेशन कराया था किसी ने, हाँ ध्यान आया। वो भी तो कहते थे कि मैं 67 और जीऊंगा। अरे वाह, उनको इनविटेशन नहीं गया। तो आप अपने जनरल मैनेजर को बुलाते हैं कि वो जो सक्सेस लेगेसी के फाउंडर हैं अनुराग सूर्यवंशी, उनको इनविटेशन भेजा क्या? तो आपके जनरल मैनेजर कहते हैं मैडम सर, इनविटेशन भेजा था, उनकी ब्लेसिंग्स आई हैं, उनके ट्रस्ट से जवाब आया है उनका पर्सनल कि वो अब किसी से मिलते नहीं हैं, अब वो एकांत में रहते हैं, बट उन्होंने ब्लेसिंग्स भेजी हैं आपके लिए। रियली? यस। आपको लगा हाँ उस दिन उन्होंने ही कराया था ये मेडिटेशन। आज जो ये सब हो रहा है ये तो मैं देख चुका हूँ पहले, ये तो मैं देख चुकी हूँ बहुत पहले। इस तरह का एक मेडिटेशन उन्होंने कराया था और मुझे जर्नी कराई थी कि जिस दिन मैं 100 साल का पूरा करूँगा अपना जीवन, करूँगी मैं अपना जीवन 100 साल का पूरा, उस दिन की सेरेमनी। और अब केक कटने का समय आ पहुँचा है। ऑलरेडी आपके उस बंगले में, उसके लॉन में कई सौ लोग इकट्ठा हो चुके हैं, बच्चों के फ्रेंड्स, क्लोज रिलेटिव्स, बच्चों के फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स और आपके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन के फ्रेंड्स और कुछ क्लोज रिलेटिव्स, सब मिला के मानो 500 से 700 लोग अब लॉन में हैं। और केक काटने से पहले कुछ शब्द आपके ट्रस्ट के जो लोग आए हैं वो कहना चाहते हैं और वो कहना शुरू करते हैं कि जो पर्पस इस इंसान ने शुरू किया था वो आज पूरा हो रहा है। आज इस देश के अलावा भी कुछ और देशों में जो इन्होंने लौ जगाई थी उससे लोगों के घरों के दिए जगमगा रहे हैं। जो पर्पस आपने बनाया था वो आज पूरा हो रहा है। और इतना बड़ा पर्पस बनाया था जिसके कारण आपकी ज़िंदगी के सारे आउटकम, सारी नीड, सारी लग्जरी आज पूरी हो रही है। बहुत बड़ा पर्पस आपने बनाया था। आई एम जस्ट हेयर टू गाइड यू, आई एम नॉट हेयर टू लीड यू अबाउट दैट पर्पस। यू नीड टू थिंक अबाउट योर पर्पस दैट यू आर अकम्प्लिशिंग राइट नाउ। 100 साल का जो आप कंप्लीट अपना जीवन आज कर रहे हैं, उसकी शाम में आपके ट्रस्ट से आए हुए कुछ लोग आपके बारे में कुछ बता रहे हैं और बता रहे हैं किस किस तरह से आपने इस छोटे से ट्रस्ट की शुरुआत की थी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए और किस लेवल पे आज ये ट्रस्ट ऑपरेट कर रहा है। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस और कंट्रीज से आपके इस ट्रस्ट को आज डोनेशन मिलती है जो आपने आज से कुछ साल पहले शुरू किया था। थिंक अबाउट दैट। अब कुछ शब्द बोलने के लिए आपको भी कहा जा रहा है, तो आप कहते हैं आज से कुछ साल पहले 2020 में मुझे क्रिस्टल क्लियर अपना पर्पस नज़र आना शुरू हो गया था कि मैं इस दुनिया में किस लिए आई हूँ या किस लिए आया हूँ। मुझे मालूम चल गया था कि इस डिवाइन पावर ने ये जो पॉजिटिव एनर्जी है इस शरीर में, इस दुनिया में एक चेंज मेकर बनने के लिए डाली है। तो मुझे एक चेंज लाना था इस सोसाइटी में। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस अपना पहला कदम बढ़ाया था आज से कुछ साल पहले 2020 के ख़त्म होने से पहले, और पहला कदम बढ़ाया और यात्रा शुरू हो गई। कैसे हुई ये चीज़ें मुझे नहीं मालूम, मैं बढ़ता गया, मैं बढ़ती गई और लोगों ने साथ देना शुरू कर दिया और यहाँ तक पहुँच गई। और वो दो शब्द कहते कहते मानो फिर से आप फ्लैशबैक में चले गए और 2020 से लेके उस साल तक की सारी जर्नी मानो आपको याद आने लगी कि किस तरह से एक एक माइलस्टोन अपने जीवन का, अपने पर्पस का आपने जिया। और उसके बीच में बहुत सारे आउटकम जिनको आप बोलते हैं, जिनको हम गोल्स बोलते हैं, या यूँ कहिए कि जो डिज़ायर्स और ड्रीम्स होते हैं इंसान के मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी में पूरा करने के, वो पूरे होते चले गए। जो गाड़ी आप चाहते थे वो मिल गई, जिस तरह का घर आप चाहते थे वो मिल गया, जिस तरह के स्कूल्स में आप बच्चों को बढ़ाना चाहते थे उस तरह के स्कूल्स में आपके बच्चे पढ़े, जिस तरह के बच्चों के करियर आप चाहते थे वो उनके बन गए, और वो वेल एस्टेब्लिश फैमिली में चले गए, उनकी फैमिलीज बढ़ने लगी और आपका अपना पर्पस फलता गया, फूलता गया, और आज यहाँ पर आप पहुँच गए। कितनी बेहतरीन जर्नी रही आपकी। ये सोच ही रहे थे और आप कुछ ना कुछ बोल रहे थे, और सामने देखते हैं कि लोगों की आंखें गीली हो चुकी हैं आपकी सच्ची कहानी को सुनने के बाद। आप में से कुछ लोग हैं जिनको मैं ज़्यादा लीड नहीं करूँगा, गाइड नहीं करूँगा, पर आपने ज़िंदगी के उतार चढ़ाव बहुत देखे होंगे। वो उतार चढ़ाव भी आप उस समय बता रहे हैं डाइस पे खड़े होके। और हैरत की बात है, लोग ये सोच रहे हैं कि 100 साल का व्यक्ति कितना स्ट्रेट खड़ा है, मानो कोई 65 साल का हेल्दी इंसान खड़ा हो। आपके हाथ में कोई छड़ी नहीं है, दोनों पैरों से चल के आप स्टेज पर चढ़े अपने आप, बिना किसी के सहारे के सीढ़ियों से, और डैश पे खड़े होके बोल रहे हैं बहुत इत्मीनान से। सामने खड़े क्लोज रिलेटिव्स, आपके बच्चे, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन, आपके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, उनकी सबकी आंखें गीली हैं। ये बात तो इन्होंने आज तक नहीं बताई, क्योंकि आपने संजो के रखा था जब 100 साल का मैं होऊंगा, जब 100 साल के जिस दिन मैं पूरा करूंगी, मेरा जन्मदिन मेरे बच्चे मनाएंगे, मैं ये पिटारा उस दिन खोलूंगी, मैं ये पिटारा उस दिन खोलूंगा। और सामने ही बैठे हैं आपके स्पाउस, जो आपको ये सब करता देख रहे थे, आज से नहीं, पिछले कई सालों से। और आपका हर पग पे उन्होंने साथ दिया, आपका साथ नहीं छोड़ा। वो है आपके स्पाउस, आपके लाइफ पार्टनर। एक बार फिर से आपको वो सारी चीजें दोबारा से याद आ गई। आप अभी भी जी रहे हैं उन्हीं मोमेंट्स को, उन्हीं सपनों को, और इन्हीं फीलिंग्स के साथ आप बने रहेंगे। और इन बहुत अच्छी फीलिंग्स के साथ अपना एक हाथ आप रखेंगे हार्ट चक्रा पे, और दूसरा हाथ आप रखेंगे सोलार प्लेक्सस पे, बहुत प्यार से, बहुत इत्मीनान के साथ। अगले 1-1.5 मिनट उन्हीं फीलिंग्स में रहेंगे। ये चीज़ें आप विजुलाइज नहीं कर रहे हैं, इस समय हो रही हैं। और आप अपने 100वें जन्मदिन पे, या यूँ कहें जिस दिन आपने 100 साल पूरे किए, उस मोमेंट को आज जी रहे हो, बहुत प्यार से, बहुत इत्मीनान से। बने रहें इन फीलिंग्स के साथ, बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम आराम से। अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ ऐसे रब करेंगे कि मानो 2 महीने के बच्चे को आप नहला रहे हैं। बहुत आराम से, बहुत आराम से दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, बहुत सॉफ्टली, बहुत जेंटली। दोनों हाथों को बिल्कुल कटोरी की शेप में बना के अपनी आँखों पे रखेंगे, बहुत प्यार से, बहुत इत्मीनान से। आँखों को बंद करेंगे, हाथों के अंदर, आँखों को खोलेंगे, फिर से बंद करेंगे, फिर से खोलेंगे, और धीरे धीरे अपने हाथ अपनी आँखों के ऊपर से हटा लेंगे और आँखें धीरे धीरे खोल लेंगे। ये एक सिंपल सा मेडिटेशन मैंने आपको यात्रा कराई, लगभग 23 से 24 मिनट की ये यात्रा थी आपकी। आशा करता हूँ आपकी ये यात्रा अच्छी रही होगी। इस मेडिटेशन को आप आंख बंद करके या खुली आंखों से कभी भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, our life is very simple. देखो भाई, मुझे कुछ बहुत ज़्यादा बोलना नहीं आता है, मैं जो चीज़ें ज़िंदगी में इस्तेमाल करता हूँ उन्हीं के बारे में बातें भी करता हूँ। मैं खुली आँखों से देखता हूँ सारी चीज़ें, आज से नहीं पिछले कई सालों से। आप भी देख सकते हैं, आप भी इस तरह के मेडिटेशन करा सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई मैथ के फार्मूलाज थोड़ी हैं, पाइथागोरस परमे थोड़ी है ये। Am I right? बहुत सिंपल सी चीज़ है। It's a thought process. It's a simple thought process. नाउ मोमेंट में जीना सीखो। नाउ मोमेंट के ऊपर एक दिन 1 घंटे का मैं वर्कशॉप करूंगा। नाउ मोमेंट, दिस मोमेंट, वी नीड टू लिव अ दिस मोमेंट। ये जो ये पल है, इस पल को जीना सीखो, मजा आ जाएगा जिंदगी में, और कुछ नहीं है। सो दैट इज द ऑल थिंग आई नीड टू से आज की इवनिंग। मैडम को बीच में सेशन छोड़ना पड़ा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बट डोंट वरी गाइस, एवरीथिंग इज़ फाइन। और मुझे इंसिडेंटली आना पड़ा, और मैं कभी भी अनफॉर्चुनेट वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ। इंसिडेंटली उन्हें जाना पड़ा और मुझे आना पड़ा, कुछ ऐसा हुआ, बट एवरीथिंग इज़ फाइन, डोंट वरी। सानिया, आप कुछ कहना चाहते हैं बट अभी नहीं। आप मुझे पर्सनली मैडम को मैसेज कर सकते हैं सानिया बेटा, और या फिर आप क्या नाम कल सेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो यू वांट टू से समथिंग? और रियली एक्चुअली मेडिटेशन के बाद मैं चाहता नहीं कि किसी भी तरह का डिस्कशन हो, मुझे बस इतनी सी बात है। ओके, यू वांट टू से समथिंग? ओके, बट कीप इट वेरी क्रिस्पी एंड सिंपल, बिकॉज अभी सबने मेडिटेशन किया, मैं कोई डिस्कशन नहीं चाहूँगा, प्लीज़। सॉरी सर, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी, अगर आपको मेरी बात जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपको अगर आपने माइंड किया तो मैं उसके लिए सॉरी कहती हूँ। दूसरी बात ये है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं कुछ थोड़ा सा डिलीट डिस्टॉर्ट और ये जो जनरलाइज है, ये मेरे पास ये इशू है कि मैं पूरी जो चीज़ होती है उसमें से मैं कुछ ना कुछ मेरे पास रहता है, कुछ मेरे पास से ये हो जाता है। और मैम को भी ये इशू मैंने बताया कि मैंने इसी वजह से ये तीसरी दफ़ा जो है ये NLP जो है वो मैंने ज्वाइन की, तो मेरा सिर्फ ये इशू था। और मेरे इन क्वेश्चन से आप भी ये समझ रहे होंगे कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, इस रिलेटेड भी कुछ आप थोड़ी सी कुछ अगर मेडिटेशन करवाएंगे तो ये मेरी इम्प्रूवमेंट के लिए बेहतर होगा। और अगर आपको मेरी बात या इस तरह का क्वेश्चन पूछना अगर आपने माइंड किया तो मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। पहली चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आई एम नॉट हेयर टू माइंड एनीथिंग अबाउट एनीथिंग, एंड आई एम नॉट हेयर टू, आई डोंट हैव एनी राइट टू जज एनीबॉडी, आई डोंट हैव एनी राइट कि मैं किसी की बात का बुरा ना मानूँ। ये मेरे को कोई अधिकार नहीं दिया इस यूनिवर्स ने, इस डिवाइन पावर ने, बिकॉज मैं तो ये मानता हूँ कि जितने भी लोग ये चेहरे बैठे हुए हैं, अब आपने लाइन बोली है तो मैं बता देता हूँ, आपने बल्ब जलता हुआ देखा है, यस और नो? आप लोगों ने पंखा चलते हुए देखा है, यस और नो? आप लोगों ने घर की वॉशिंग मशीन चलते देखी है, यस और नो? तो यहाँ पे बैठे जितने भी चेहरे हैं, कोई बल्ब है, कोई पंखा है, कोई वॉशिंग मशीन है, कोई घर का एसी है, ठीक है, कोई हीटर है, कोई आयरन है प्रेस करने वाली, बट उन सब में एक कॉमन चीज क्या होती है? दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं जब कहता हूं कि मैं किसी से कॉर्ड कनेक्ट नहीं करता, क्योंकि कॉर्ड कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से एक इलेक्ट्रिसिटी दिखाई नहीं देती, वो बल्ब को भी जलाती है, पंखे को भी चलाती है, वॉशिंग मशीन को भी चलाती है, गीजर को भी चलाती है, हीटर को भी चलाती है, उसी प्रकार ये जो सुपर नेचुरल डिवाइन पावर है, ये हम सब शरीरों को चलाती है। तो सानिया के अंदर जो पावर है, वही पावर मेरे अंदर है, और हमारा एक कनेक्शन है जिसको हम तोड़ नहीं सकते। तो इस डिवाइन पावर में मुझे कोई अधिकार नहीं दिया कि मैं किसी को जज करूं, और ना कोई ये अधिकार दिया है कि मैं किसी बात का बुरा मानूं। उसका रीज़न भी बता देता हूं, या तो जो सामने वाला है वो झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो वो उसकी प्रॉब्लम है, वो गलत बोल रहा है, तो मुझे किस लिए परेशान होना। और या सामने वाला है वो सच बोल रहा है, अगर वो सच बोल रहा है तो उसमें मैं कैसे बुरा मान सकता हूँ? It's very simple. And this is your perception and this is my perception. और आज जो आपने कहा delete, distort, generalize सब लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ अभी। अगर मैं delete, distort, generalize करना बंद कर दूं, तो मैं योगा की 8वीं स्टेप पे पहुंच जाऊंगा, which is called समाधि। समाधि में बॉडी में से सोल निकल के बाहर भी चली जाती है, फिर अंदर आ जाती है। उस तरह की लोग अभी बहुत कम हैं इस दुनिया में। Getting my point? तो मेरी भी डिलॉट डिस्ट्यूट जर्नलाइज मैं भी करता हूँ, बट मैं उसको फटाफट देख लेता हूँ कि नहीं ये गलती हो गई और मैं उसकी माफ़ी मांग लेता हूँ। जैसे आपने कोई गलती नहीं की, आपका क्वेश्चन रेलेवेंट था, बट इस समय के हिसाब से, इस टॉपिक के हिसाब से रेलेवेंट नहीं था। जहाँ तक आपके चैलेंज की बात है, आप मैडम से पर्सनल सेशन बुक कराएं, वो आपको पर्सनल मेडिटेशन कराएंगी। आप मुझसे भी सेशन बुक करा के मेडिटेशन ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं आप मुझसे। तो अब इसी नोट पर मैं इस सेशन को ख़त्म करूँगा। आप लोगों ने सुना मुझे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और किसी को भी मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। मेरा यहाँ पे किसी की भी भावनाओं को कोई ठेस पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था। अगर हुआ है तो वो मेरा इरादा नहीं था। इट इज़ टोटली इंसिडेंटल। थैंक यू सो मच गाइस। गॉड ब्लेस यू एंड कीप ग्रोइंग इन योर लाइफ with the right thought process, with the right karmas, actions and with the right perception of your life, which is your event too. Bye bye. Take care. God bless you.